गुड आफ्टरनून गॉयज एंड ऑडिबल एंड से बता दो भाई क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक यस आई थिंक आनी चाहिए फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ पर क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है हाय आर्यन हेलो मुस्कान निधि कैसे हो बेटा आप रजनीकांत ओहो हेलो हो, हो, क्या जबरदस्त है भाई आ, राजीव सतवानी कैसे हो भाई मृदुला कदम कैसे हो सतीश वेल? हाँ बहुत 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 स्वागत है आप लोगों का हेलो 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 गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग बेजरान जब जो जहां जैसे देख रहे हैं जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं उन लोगों के लिए नमस्कार गुड आफ्टरनून एंड स्वागत है आपका एकाग्रता सीए चैनल पर तो आई होप कि आप लोगों को ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर आ रही हो क्रिस्टल क्लियर आ रही हो हाँ जी नहीं मतलब मुझे क्लियर नहीं चाहिए मुझे क्रिस्टल क्लियर चाहिए भाई छोटी मोटी चीजें नहीं करते हम हाँ तो क्या क्रिस्टल क्लियर आ रही है जोश अरे जोशी के क्लास में है ना हाँ तो कुछ भी करने का लेकिन एक चीज में कमी नहीं आने देने का और वो है जोश तो चलो इज द जोश यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीत सुमित अथर्व सत्यनारायण मुस्कान अंजलि असीम और गौतम नेहा ऋषि मुस्कान हो गया और कौन है किसी को भूल रहा हूँ क्या मैं लतिका हाय यस क्रिस्टल क्लियर ये हुई ना बात बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज जरा मैं अपना इंट्रोडक्शन कर लू फटाफट और फिर आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज बहुत सारे डेफिनेशन हमको पढ़ने तो दोस्तों मेरा नाम है सी आदर्श जोशी आप लोग मुझे जानते हैं बिकॉज मैं आपको सीए फाउंडेशन में बिजनेस बिजनेस लॉज एंड मेंसपॉन्डेंस रिपोर्टिंग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और अब मैं आपको पढ़ाने आ, चुक, आ चुका हूं सी इंटरमीडिएट में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस न्यू स्कीम ऑफ आईसीआई के तहत ये हो रहा है तो कृपया करके ध्यान दे दे और यहां पर लिस्टेड कंपनी आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है आ, यहां पर ओहो हो हो इधर तो अलग ही लेवल आग लगा रहे भाई ये लोग हेलो सतीश अमनदीप एकदम अच्छा है बहुत अच्छे क्या बात है क्या बात है ये आग जब देखता हूं ना मैं तो मेरे अंदर का एक साथ जोशी जाग जाता है और मेरे को जोश आता है पढ़ाने का फिर ऐसा लगता है चल भाई आज तो आग लगा देंगे बहुत अच्छे आज भी हम बात करने वाले हैं बहुत सारे बच्चों से तो बी प्रिपेयर्ड एंड यहाँ पे जितने भी बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप जरूर 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 डेमो लेक्चर एटलीस्ट की प्लेटफॉर्म पर जाकर जरूर देखिए ऐप डाउनलोड करिए वेब ब्राउजर से देखिए मैंने आपको

और वो बच्चे एकदम चौंक जाते थे वो नहीं एड आता है वो हो प्राइवेट कंपनी बी लिस्टेड मतलब बच्चे फुल और बोलते सर अभी आपने हमको सेक्शन टू क्लॉसटी एट पढ़ाया तो आपने कहा था कि इन्विटेशन टू पब्लिक नहीं देना है तो फिर लिस्टेड कैसे हो बच्चों के दिमाग में बहुत कुछ चलता था लेकिन जब वो बाद में एक्चुअली सेबी के लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस को देखते थे तब उनको पता चलता था कि कुछ एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसको फॉलो करके एक प्राइवेट कंपनी अपनी डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा सकती है जिसकी वजह से ये डेफिनेशन के तहत वो लिस्टेड कंपनी में आ जाती थी टेक्निकली नहीं बट मतलब मतलब एक्चुअली नहीं बट टेक्निकली वो आ जाती थी कई तो चार्टेड अकाउंटेंट्स कई टीचर्स और एजुकेटर्स ने भी मुझसे आके फोन पे पूछा कि सर ये क्या कर रहे हो आप मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है मैंने कहा अरे मैंने उनको समझाया नहीं ऐसे नहीं होता है ऐसे ऐसा ऐसा होता है लेकिन मेरी ये खुशी इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट की क्या गलती पार्लियामेंट से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट ला लिया और इस डेफिनेशन को और चेंज कर दिया आइए पहले देखते डेफिनेशन में क्या लिखा था और फिर देखेंगे अमेंडमेंट क्या है डेफिनेशन में लिखा था लिस्टेड कंपनी अ कंपनी हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया अब यहां तक अगर बात होती ना तो फिर मैं जीत रहा था लेकिन उन लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने यहां से एक नया अमेंडमेंट यहां पर डाल दिया अमेंडमेंट में ये लोग कहते हैं प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव लिस्टेड इंटेंट टू लिस्ट सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विथ सी बी शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी जब ये अमेंडमेंट आया मेरे दिल में धक धक् धक धक होने लगा मुझे लगा भाई ये लोग प्राइवेट कंपनी वाला जो मेरा खेल है खत्म करने वाले हैं और वही हुआ इन्होंने कहा कि हम कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में आपको अलग से बताएंगे अगर वो हम जो कह रहे हैं वो अगर वो करते है, ऐसे केस में भले ही टेक्निकलीयर और सिक्योरिटीज लिस्टेड होंगे और अब इसीलिए मैं ये क्वेश्चन किसी से पूछता नहीं हूं बिकॉज नाउ इट फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू बी लिस्टेड क्यों आइए देखते हैं वो समझने के लिए हमें ये जानना होगा दैट व्हाट इज प्रिस्क्राइब बाय लॉ ठीक है So, उसके लिए हम चलते हैं रूल्स में अब मैंने कहा था हर चैप्टर के अपने रूल्स है right? आपको कहा था ना कि सुनो ना मैंने आपको कहा था ना कि हर चैप्टर के रूल्स है जैसे मैंने कहा था कि शेयर कैपिटल डिवेंचर के शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स है डिपॉजिट्स का यहाँ पे चैप्टर है वहां पे रूल्स है चार्जेस का चैप्टर है वहां पे रूल्स है ठीक उसी तरह डेफिनेशन का यहाँ पर सेक्शन टू है उसी तरह एक स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स भी है जो 2014 में बने हैं उन रूल्स के हिसाब से व्हाट इज प्रिस्क्राइब आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल टू कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल द फॉलोइंग क्लासेस द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज मैंने पूछा बताओ पहले तो मुझे प्राइवेट कंपनी का डर था लेकिन यहां पर उन्हें पब्लिक कंपनी लिखा तो मैंने कहा ठीक है ठीक है अभी भी मैं सेफ हूं प्राइवेट कंपनी अभी आई नहीं है कहते पब्लिक कंपनी विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट हैव लिस्टेड द फॉलोइंग बोल रहे कि आपकी इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है लेकिन आपके अगर नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे दिए गए अब सर एक एक करके मैं आपको चीजें समझाता हूं बहुत सारी चीजें यहां पे आपके लेवल से थोड़ी ऊपर जा रही है बिकॉज ये चीजें हमने पढ़ी नहीं है बट डोंट वरी मैं आपको आइडियाज देते रहता हूं ठीक है सबसे पहले बात करते हैं नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज के बारे में आप पकड़ लीजिए एक डिबेंचर डिबेंचर ये डेट सिक्योरिटी होता है आपको पता ना इक्विटी और डेट आपको पता ना इक्विटी शेयर शेयर इक्विटी में आता है लेकिन बॉन्ड्स एक डेट सिक्योरिटीज में आता है बराबर अभी दो तरह से हो सकते हैं कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल कन्वर्टिबल का मतलब होता है जो कुछ पर्टिकुलर पीरियड कंप्लीट होने के बाद कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे यानी आज नहीं बट भविष्य में इन पे कुछ वोटिंग पावर मिल सकते हैं करेक्ट नॉन कन्वर्टिबल मतलब ये रिडीम हो जाएंगे रिडीम हो जाएंगे कंपनी ये सिक्योरिटीज वापस लेके आपको आपका पैसा दे देगी दे और जब तक वापस नहीं लेती तब तो तक आपको इंटरेस्ट भी देगी बट दे विल नेवर बी कन्वर्टेड इन टू एनी ऑफ द इक्विटी शेयर्स तो अगर ऐसे नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है ये भी आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में शेयर कैपिटल डिबेंचर्स है अभी अभी हम लोगों ने अभी तो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज भी नहीं पढ़ा उसके अंदर भी आपको समझ में आएगा कि अलॉटमेंट कैसे कैसे हो सकता है पब्लिक इश्यू और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में हम लोग वहां पढ़ेंगे अभी आप फिलहाल इतना जान लो प्राइवेट प्लेसमेंट का अर्थ ऐसा होता है कि कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ना देते हुए एक सिलेक्ट फ्यू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और को देती है क्या कहा मैंने पब्लिक एट लार्ज को नहीं दे रही है सिलेक्ट फ्यू इंडिविजुअल्स को देती है अब वो कितने इंडिविजुअल्स है कितनी बार दे सकती है क्या है वो सारे रूल्स हम आगे प्रोस्पेक्टस अलॉटनर सिक्योरिटीज शेयर कैपिटल डिवेंचर बहुत सारी चीजें हम उसके बारे में आगे पढ़ने वाले लेकिन अगर आप ऐसे सिलेक्ट फ्यू लोगों को नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज अगर आप इशू करते हो तो आपको हम लिस्टेड कंपनी नहीं कहेंगे बट याद रखना बेटा बहुत जरूरी पॉइंट क्या है कि आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है सर अगर आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड होते तो आपको यहां पे आने की जरूरत ही नहीं थी आप मेन डेफिनेशन के हिसाब से लिस्टेड कंपनी बन जाते वो तो आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है और केवल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है इसलिए मैं आपको लिस्टेड कंपनी नहीं कह रहा हूं मैंने कहा ठीक है समझ गया और बोलते हैं आपके इक्विटी शेयर तो लिस्टेड नहीं है मगर आपके नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर लिस्टेड है अब ये क्या होता है वापस नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है ये प्रिफरेंस शेयर कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे और रिडीमेबल का मतलब होता है कि आफ्टर पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ये शेयर्स को रिडीम कर लेगी वापस आपसे परचेस कर लेगी और आपको रिडम्पशन वैल्यू दे देगी इट कैन इवन बी रिड्यूम्ड इन प्रीमियम तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देके भी वो रिडम्पशन कर सकते हैं तो अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रिफरेंस अगेन जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस से ही इशू किए गए हैं सर यहां पर पब्लिक इशू की बात क्यों नहीं आ रही प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों आ रहा है बेटा अगर पब्लिक इशू हो गया तो फिर तो आप uh, मतलब पब्लिक कंपनी है पब्लिक इशू अगर करने जा रही है तो उनको डिमोटिलाइजेशन करना पड़ेगा डिमोटिलाइजेशन करने के बाद उनको शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने पड़ेंगे और जब वो शेयर सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने जाएंगे तो फिर वो लिस्टेड हो जाएंगे देरफॉर यहां पर भी हमने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस को ही पकड़ा हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रिफ्रेंशियल रेगुलेशन टू थाउजेंड थर्टीन और पॉइंट नंबर थ्री है बोथ एंड मतलब पब्लिक कंपनी जिसने अपने इक्विटी शेयर उनके कुछ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज और नॉन कन्वर्टेबल रिनीस अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो भी हम उनको लिस्टेड कंपनी नहीं कहेंगे पहले आपसे मुझे इतना बताइए ये पॉइंट नंबर वन आपको समझा है क्या मैं आपको इसका अगर शॉर्ट में एक अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स जैसा अगर बनाने की मैं आपको बना के देने की कोशिश करूं तो वो कैसा बनेगा आइए देखते हैं सबसे पहली बात आप एक पब्लिक कंपनी हो ठीक है ये बात याद रखना आप एक पब्लिक कंपनी हो अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पब्लिक कंपनी तो हमेशा लिस्टेड ही होगी ना पब्लिक कंपनी तो हमेशा लिस्टेड होती है ना आंसर इज नो पब्लिक कंपनी मतलब कंपनी जिसमें जनरल पब्लिक अपना पैसा डाल सकती है मतलब ये कंपनी लोगों से पैसा ले सकती है मगर इसका मतलब जरूरी नहीं है कि पैसा लेने के लिए इनको अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में डालने ही पड़ेंगे ये लोग ऑफ मार्केट भी डील कर सकते हैं तो ये मत कह देना कि एवरी पब्लिक कंपनी इज लिस्टेड कंपनी नो यू कैन नॉट से दैट एनी मोर तो ये पब्लिक कंपनी है इसके केस में सबसे बड़ी बात जो हमने नोटिस की वो थी कि सर इसके जो शेयर्स थे इसके जो इक्विटी शेयर्स है उसके आगे आप लिख देना नॉट लिस्टेड ये कहीं पर भी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है जब मैं चार्ट्स बना रहा हूं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप भी चार्ट्स बनाइए मुझे आर्यन ने आर्यन आप हो क्लास के अंदर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे किधर तो भी उसने मेरे को अपनी नोट्स जो बना रहा है उसने भेजी जितना भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं जो भी चार्ट में ड्रॉ कर रहा हूं जो भी कंसेप्ट के रिलेटेड चीजें मैं लिख रहा हूं आर्यन अपने बुक में सिस्टमैटिकली अच्छी हैंडराइटिंग में एकदम प्रॉपर लिखता जा रहा है उसका बुक जब मैंने देखा मैंने कहा यार अगर ऐसे बुक मेरे पास है मेरे को तो और नेक्स्ट लेवल इंटरेस्ट आएगा लॉ पढ़ने में तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आर्यन की तरह एक्चुअली एक बार थोड़ा एफर्ट्स डालिए और जो भी मैं यहां पे बना रहा हूं जो भी मैं यहां पे लिख रहा हूं आप भी लिखिए जब आप इन्वॉल्व होंगे ना भाई आर्यन आप जरूर मुझे भेजना यार आप अगर भेज सकते हो ना चैट में कुछ इमेज एक बार देखो जरा भेज सकते हो क्या आ, जरूर भेजना मेरे को मैं को बच्चों को दिखाना है ठीक है है ना ओके तो उसने बहुत अच्छा नोट्स बनाया आप भी बना सकते हो तो भैया पॉइंट बड़ा सिंपल है सुन लो मेरी बात आप एक, एक इक्विटी शेयर्स जो है आपके आपने उन इक्विटी शेयर्स को कहीं भी लिस्ट करके नहीं रखा हुआ है अब रही बात आपके इसको ये कर सकते हैं क्या ऑलवेज शो एबिन हाँ अभी आपने क्या किया पता है उल्टा आपने क्या किया ध्यान से देखना आपने अपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट से गए हैं ठीक है या अपने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर अगेन ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट से गए हैं ठीक है यह आपने लिस्ट करके रखी है या आपने बोथ ठीक है अगर आपके ये लिस्टेड है स्टिल मैं आपको अनलिस्टेड कंपनी कहूंगा टिल द कंपनी विल बी अनलिस्टेड समझे ऑल लैस अनलिस्टेड कंपनी अब एक मजे की बात बताऊ जब मैं भारत के स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूं सर मॉड्यूल से नहीं पढ़ाएंगे क्या ईशान ये पूरा मॉड्यूल से ही है है बेटा सिर्फ फर्स्ट चैप्टर चैप्टर ये जो है, अगर आप मॉड्यूल देखेंगे मैं आपको मॉड्यूल भी दिखा देता हूं मतलब देखो बहुत सारे बच्चे मुझे ना पर्सनली भी ये चीज पूछ रहे हैं मैं आपको मॉड्यूल पहले तो दिखा देता हूं ठीक है अब ये हमारे पास बहुत अमेजिंग एक मॉड्यूल है ठीक है आ रहा है ओपन हो रहा है बेटा रुक जाओ है ना हो रहा है मॉड्यूल से मैंने सिर्फ ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर चेंजेस किए क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो डायरेक्टली डेफिनेशन के बाद मतलब कंटेंट uh, के बाद डायरेक्ट ऐसे डेफिनेशन शुरू हो गए इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस एंड बोरिंग अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन सिर्फ डेफिनेशन ही डेफिनेशन पढ़ाता जाऊं देखो बेटा हर एक टीचर का अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है मेरा जो स्टाइल है उसमें मैं आपका अभी तक का सीए फाउंडेशन का नॉलेज वैलिडेट करना चाहता हूं पहले कुछ चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है उसमें जो कुछ चीजें आपको शायद नहीं पता या कुछ चीजें नहीं है वो धीरे धीरे इंकलकेट करने वाला हूं और चैप्टर टू ऑनवर्ड्स वर्ड बाय वर्ड हम मॉड्यूल से जाएंगे अगर आप मेरी चैप्टर टू ऑनवर्ड्स की नोट्स जब मैं अपलोड करूंगा आप देखेंगे चैप्टर टू ऑनवर्ड्स की जो मेरी सारी की सारी नोट्स है वो मॉड्यूल का ही एक्सट्रैक्ट है बट यार एक हर एक टीचर का एक अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का और इसीलिए मैं ये स्टाइल से पढ़ा रहा हूं सिर्फ चैप्टर नंबर वन बिकॉज यहां पर मैं बैठ के आपको रटाना नहीं चाहता कि यह डेफिनेशन है रट ले नहीं मैं धीरे धीरे आपको उसके उससे अवगत कराना चाहता हूं प्लीज दस दिन है मेरे साथ रहो दस दिन देखो हम लोग अफकोर्स सेकेंड चैप्टर भी इसमें स्टार्ट कर देंगे चार या पांच दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ये पांच दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो थोड़ा दिन निकालेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको पता है मैं मॉड्यूल से पढ़ाता हूँ आपको पता है मैं वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ाता हूँ लेकिन वो चीजें स्टार्ट होगी यूनिट नंबर चैप्टर नंबर टू से ठीक है हैव फेथ इन ठीक है चल। अब चलते हैं आगे हाँ तो ये जो डेफिनेशन है ये हम भी पढ़ने वाले हैं ऐसा नहीं कि हमारे बुक में नहीं है हमारे बुक में सारे डेफिनेशन भी है नीचे अगर आप स्क्रोल करेंगे आपको मिल जाएंगे देखो बस अभी यहां से आने वाले हैं ये देखो अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में ये देखो लाइन से डेफिनेशन आ जाएंगे बट कुछ चीजें जो हम ऑलरेडी देख चुके उसको मैं थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करके पढ़ा सकता हूं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है ताकि आपको लिए मोनोटरस और बोरिंग ना हो अब इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की तो पब्लिक कंपनी का आपको समझ में आ गया अच्छा मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा था जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं ना भैया स्टॉक एक्सचेंज बोले तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बोले तो चलो आप लोग बताइए हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस डू यू नो इंडिया के अंदर कितने स्टॉक एक्सचेंज है आपको पता है चलो लिख के बताओ फटाफट कमेंट में लिख के बताइए हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर देर कम ऑन भाई लोग इधर कौन कौन है भैया भेजना जरा मुस्कान आर्यन राजीव मृदुला रजनीकांत अमनदीप साहिल आर्यन सर, सर्विका जरा बताइए फटाफट कितने हैं हाँ जी सर मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो दो या तीन पता है बाकी हमें नहीं पता हमें ए, पता है एनएससी हमें पता है बीएससी बताओ मैं मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहाँ क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स को एनएससी और बीएससी के बारे में पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा एक आधा एक बच्चा होगा जिसको कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता होगा ठीक है तीन बट आई गारंटी दैट देर विल नॉट बी एनी पर्सन हु नोज मोर देन दैट बट ये सच नहीं है अगर मैं आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक देखो यहां पे मैंने सर्च किया वही है रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैंने सर्च किया है अब किस सामने यहां पर आ गया है? लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया आप देखेंगे आपको सिर्फ एनएससी बीएससी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पता है उसके अलावा आप देखो कितने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है जो यहां पर अपने हाँ इंडिया में चल रहे वडोदरा है बेंगलोर है ढाका है ओ है, इंटरकनेक्टेड है इंटर कनेक्टेड है अहमदाबाद है इमर्ज है मद्रास है मद्रास के बारे में भी शायद कुछ लोगों को पता हो लुधियाना है बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है आप इसकी लिस्ट लेकर रख सकते तो ये गलत फैम रहना कि भाई NSE BSE में लिस्ट करोगे तो ही आपको पकड़ा जाएगा नहीं एनी ऑफ दी रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज इफ यू लिस्ट एनी ऑफ योर सिक्योरिटीज यू विल बी लिस्टेड कंपनी कोई भी कंपनी के कोई भी सिक्योरिटी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वो कंपनी लिस्टेड है एक्सेप्ट अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो जिसने अपने इक्विटी शेयर कहीं लिस्ट करके नहीं रखे है लेकिन सिर्फ अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे इश्यू करके लिस्ट करके रखे हुए या अपने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रिफरेंशर्स प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे इश्यू करके अगर उसने लिस्ट करके रखे हैं तो हम ऐसे पब्लिक कंपनीज को भी अनलिस्टेड कंपनी में ही कैटेगराइज करेंगे लिस्टेड कंपनी में कैटेगराइज नहीं करेंगे फिर आया दुख दर्द और पीड़ा प्राइवेट कंपनी यही तो वो एक पॉइंट था जिसकी वजह से मैं ब्रेन वॉश करता था बच्चे एकदम मतलब वाहवाही कर देते थे लेकिन हुआ क्या गवर्नमेंट ने अपडेट लाया कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो अब देखो अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो इक्विटी शेयर तो आप लिस्ट नहीं कर पाओगे क्यों अरे सर सेक्शन टू क्लॉस सिक्सटी एट आपके सब क्लॉस थ्री में लिखा हुआ है यू कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू योर सिक्योरिटीज तो लिस्टिंग करने की तो कोई सवाल पैदा नहीं होता इक्विटी शेयर लेकिन हाँ आप लोग अपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू करके आप आ, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कर सकते थे और इसकी परमिशन आपको सीबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008 दिया करता था अब अगर आप ऐसा करेंगे भी तो भी हम आपको लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में नहीं डालेंगे बिकॉज यू आर एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड बाय द डेफिनेशन एंड देयरफॉर अब मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर सकता हूं सीधी सीधी बात है अ लिस्टेड कंपनी कैन नॉट सॉरी अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बिकम लिस्टेड कंपनी एनी मोर इवन दो अपने डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट कर सकते हैं बट फिर भी बाय डेफिनेशन वी कांट कॉल देम नेक्स्ट, फिर और पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेडीशियसेंज बट इक्टिशियर लिस्टेडेंज न तो आपने इंडिया के किसी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अपने आपको लिस्टिंग नहीं करवाया है बट यू आर अ पब्लिक कंपनी और आपने किसी फॉरिन स्टॉक एक्सचेंज में अपना लिस्टिंग अगर करवाया है तो भी हम आपको इंडिया में लिस्टेड कंपनी नहीं कहेंगे क्यों इंडिया में आपको मैं लिस्टेड कंपनी तभी कहूंगा ना जब इंडिया में आपने कहीं लिस्ट करके रखा हो अब अगर आप फॉरेन में जाकर कहीं लिस्टिंग करा रहे हो, उसका मुझे क्या फायदा समझ में आ रही है सारी चीजें जोश अरे जोशी के क्लास में बैठे हो ना? आ, तो बताओ ना भाई जोश कौन बताएगा तुम बताओ नहीं मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा भाई हाँ मैं नहीं तो कौन बे चलो फटाफट यस अब चलते हैं इसके आगे अनलिस्टेड कंपनी के बारे में ये डेफिनेशन लिखते वक्त बहुत सारे ग्रेट माइंड्स ने अपना बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी यूज की और उसके बाद ये डेफिनेशन निकाल ली है अनलिस्टेड कंपनी मींस कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी है के तुम्हारे पास इतना टैलेंट लाते का मुझे भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता इतना टैलेंट से लाते है बट है भाई। है? तो एनी कंपनी ठीक तो है, है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बता देता हूं ऐसी कंपनी जिसमें नॉट लेस फिफ्टी वन परसेंट ऑफ दीडब्सर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मतलब मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट अब आप देख रहे हो इसमें कितने परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जरा आप देखना ध्यान से मैं आपको बताता हूं ठीक है गवर्नमेंट कंपनी में कितने परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करे ठीक है हो सकता है कोई स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करे एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल गुजरात गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट है ना हो सकता है मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड करे है ना गवर्नमेंट्स अब वो कितने भी हो सकते हैं दो तीन चार पांच छः आठ दस फॉर एग्जाम्पल गुजरात के साथ साथ uh, महाराष्ट्र सरकार ने भी होल्ड करके रखा हुआ है हो सकता है उसके साथ साथ आई डोंट नो मे बी गोवा है ना अरे सर तुम्हारा टेंशन क्यों ले रहे हो यार है ना इधर हाँ अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है साथ में एक स्टेट हो रही है फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र गवर्नमेंट और यह भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है और गुजरात गवर्नमेंट भी होल्ड कर रही है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी होल्ड कर रही है एंड और, और भी कोई है देखो हमें गवर्नमेंट का होल्डिंग चाहिए वो सेंट्रल हो स्टेट हो बोथ हो हमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सर मल्टीपल सेंट्रल गवर्नमेंट मत कर देना हावलागिरी नहीं करना सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही चाहे अपने ठीक है? अब अगर इन गवर्नमेंट्स ने ध्यान से सुनना दे शुड होल्ड नॉट लेस देन फिफ्टी वन परसेंट ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल आप देखना यहां पर कितना अच्छे से लिखा है नॉट शेयर कैपिटल तो मिनिमम मिनिमम इज फिफ्टी वन परसेंट ऑफ अप शेयर क्या देखिए ठीक है सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ये एक पहले एक पूरा डेफिनेशन कर लेते हैं ये एक रास्ता हो गया गवर्नमेंट कंपनी बनने का ठीक है और देर इज अनादर वे एक और रास्ता है गवर्नमेंट कंपनी बनने का सर ये दूसरा रास्ता कौन सा है अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडियरी बन जाते हो ठीक है अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडियरी बन जाते हो तो आपको हम डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं क्या कहते हैं डीम्ड गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी सर ये सब्सिडरी कैसे बनता है अरे कल ही तो पढ़ाया मैंने आपको ऐसे क्या कर रहे हो कल पढ़ाया ना मैंने आपको सब्सिडरी कंपनी भाई हाँ दो रास्ते है सब्सिडरी कंपनी बनने के कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्साइज कंट्रोल ऑन मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर समझे अब इनमें से आप जो चाहे वो कर सकते हो इंडिविजुअली अलोंग विथ अदर्स चलेगा अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो और आपने अगर किसी और कंपनी को सिर्फ एग्जाम्पल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होल्ड करके रखा है या उसके सेवेंटी एट्टी नाइनटी परसेंट शेयर आपने होल्ड करके रखे हुए देन ऐसे केस में सिंस इट इज मोर देन फिफ्टी परसेंट हम आपको होल्डिंग कंपनी और उस अदर कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहेंगे अब क्योंकि आप गवर्नमेंट कंपनी हो आपकी सब्सिडरी को भी हम गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे समझा यहां पे क्लियर लिखा हुआ है देख लो ठीक है चल तो एंड द सेक्शन इंक्लूड्स द कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी चलिए शेयर कैपिटल को यहां पर आप टोटल वोटिंग पावर पकड़ सकते हैं ठीक है चल ये क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट holds 50% परसेंट इन ए लिमिटेड ओके ए लिमिटेड होल्ड्स in परसेंट इन बी लिमिटेड आप मुझे बताइए क्या बी लिमिटेड को मैं गवर्नमेंट कंपनी बोल सकता हूं यस और नो जल्दी से बताइए क्या मैं बी लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी कह सकता हूं बहुत अच्छे मजा आ रहा है क्या अरोरा कह रहे हैं नो सर सर्विका भी नो बोल रही है मुस्कान इधर इधर मृदुला है ना राजीव भी नो बोल रहा है मुस्कान आर्यन सभी लोग आई थिंक यूट्यूब पे भी सभी लोग नो बोल रहे हैं और आपका आंसर एकदम करेक्ट है रीजन सर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 परसेंट होल्ड किया है ए लिमिटेड में हमें मिनिमम 51 परसेंट चाहिए तब जाकर ए लिमिटेड खुद पहले गवर्नमेंट कंपनी बनेगी और जब ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी बनेगी तभी तो ना बी लिमिटेड को हम डीम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे बिकॉज बी लिमिटेड इज ऑफ ए लिमिटेड जब ए लिमिटेड ही गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनी तो बी लिमिटेड का सवाल ही पैदा नहीं होता सर अगर इसी में से फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसी में इसी कंपनी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अगर टेन परसेंट होल्ड कर लिया विल योर आंसर चेंज ध्यान से सुनना विल योर आंसर चेंज इफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑल्सो होल्ड टेन परसेंट इन ए लिमिटेड सर जज्बात बदल गए हालात बदल गए सिचुएशन बदल गई दुनिया बदल गई एंड आंसर विल ऑल्सो चेंज वाई बिकॉज नाउ सी जी प्लस एस जी मिल

बोलने समझ में आ गया पक्का प्रॉमिस एवरीवन सर हमें तो आता ही था पहले से मुझे लगता है आपने फाउंडेशन में किसी बहुत अच्छे टीचर से पढ़ाई की है हां हां क्या हुआ खुद की तारीफ कौन बोला नहीं मैं तो कुछ नहीं कहा मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस यू नो ऑब्जर्वेशंस X Industries Limited is a company in which 25% of the shareholding is held by Central Government and 10% shareholding is held by Government of Maharashtra 15% shareholding is held by Central Government and Government of Rajasthan Eight minute 25% is held by Central Government 10% held by Government of Maharashtra and 15% shareholding held by Central Government and Government of Rajasthan तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्डिंग दो बार लिख दिया इन लोगों ने थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार माफ कर दो थोड़ा सा इंस्टीट्यूट को प्लीज आ तो देखो भाई कितना होता है पच्चीस प्लस दस कितना होता है थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन कितना होता है हाँ जी थर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन कितना होता है फिफ्टी परसेंट सर क्या फिफ्टी परसेंट फिफ्टी वन परसेंट से ज्यादा या इक्वल है नहीं सर कम है एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी वाई बिकॉज जो कंप्लायस के लिए मिनिमम फिफ्टी वन परसेंट चाहिए था वो नहीं हो रहा है यू आर ओनली होल्डिंग फिफ्टी परसेंट अच्छा विल योर आंसर चेंज इफ एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ वाई लिमिटेड विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी विल योर आंसर चेंज आपको पूछ रहा हूं देखो पढ़ाई करते वक्त ना हमें इस तरह से पढ़ाई करना है कि जो हमारे सामने है वो आता है तो हम लिख पाएंगे लेकिन उसमें अगर कुछ फेर बदल करके भी आता है तो हम उसको भी लिखने की कैपेसिटी और पावर हमें होनी चाहिए इसलिए थोड़ा सा अपने मन से क्वेश्चन बनाते रहो और कंसेप्ट को कन्फर्म करते रहो ठीक है चलो आते हैं फॉरेन कंपनी की और फॉरेन कंपनी का डिफिनेशन सेक्शन टू क्लास फोर्टी वन में लिखा है थ्रू एन एजेंट एंड विच हियर इन इंडिया इन एनी मैनर मे बी ऑनलाइन ऑफलाइन आई डोंट केयर ठीक है तो आप फॉरिन कंपनी बन जाते हो तो सेक्शन टू क्लॉस फोर्टी टू फॉरन कंपनी ठीक है तो इसके लिए रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड तो यहां पे हर जगह प्लस प्लस है याद रखना प्लस एंड कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया <coughs> एग्जाम्पल माइक लिमिटेड इनकॉरपोरेटेड इन जापान एज ऑफिस इन पूे क्या मैं इसके फॉरेन कंपनी कह सकता हूं क्या मैं इसे फॉरेन कंपनी कह सकता हूं फटाफट बोलो बेटा हाँ जी पक्का सर क्यों सर बनी बाहर है ऑफिस पुणे में अब अगर पुणे में ऑफिस डाला है तो कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए डाला होगा या उसके इंटेंशन से डाला होगा देर फॉर वी विल कॉल यू अ फॉरिन कंपनी सर अगेन माइक लिमिटेड इनकॉरपोरेटेड इन कोलकाता एंड हैज ऑफिस इन यूके बोलो क्या होगा इसका हाँ जी हाँ हाँ जी बोलिए जी क्या हो गया नहीं बोलना है? क्यों नहीं बोलना है? क्या गड़बड़ हो गई अब इसमें इसमें क्या तकलीफ हो गई सर यहां पर आप देखेंगे तो ऑफिस ही आपका कोलकाता में तो यू आर अ कंपनी इन इन इंडिया सर आप सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी के अंदर एक नॉर्मल कंपनी हो फॉरेन कंपनी नहीं ठीक है यस वेरी गुड वेरी गुड माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग अब आते हैं डॉर्मेंट कंपनी इसका भी चार्ट बना रहा हूं ध्यान से मेरे साथ फटाफट चार्ट बना लेना डॉर्मेंट कंपनी अ कंपनी इनकॉर्पोरेट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट हो सकता है आज हम कंपनी बना रहे हैं बट काम आज नहीं फ्यूचर में स्टार्ट करने वाले हो सकता है हम कोई असेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बने हुए हैं और हमारे पास कोई भी तरह का सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है सर ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोले तो एनी ट्रांजैक्शन अदर देन द फोर गिवन बिलो सिर्फ आप आरओसी को फीस अगर पे कर रहे हो या कोई स्टेटरी फीस अगर पे कर रहे हो अपना ऑफिस मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा कर रहे हो या शेयर अलॉटमेंट में अगर कुछ खर्चा किया है तो ये खर्चा तो आपको बेयर मिनिमम अपने आप को पेनल्टी से बचाने के लिए करना पड़ता है भाई ये कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है यह अपनी को आप पेनल्टी से बचाने के लिए मिनिमम प्र, प्रिस्क्राइब एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो ये चार खर्चों को छोड़ के अगर आपने कोई खर्चा किया है रॉ मटेरियल परचेस किया होगा रेंट पे कर रहे होंगे अगर आपने कोई मशीन परचेज की है कोई इन्वेस्टमेंट किया है कोई एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो बताओ ना उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन लेकिन भैया आर को फीस पे किया ये कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है ये आपने मिनिमम यू यू आर जस्ट ट्राइंग टू हाइड हाइड नो सेव सेव योर योर स्किन फ्रॉम पेनल्टी सो ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स विल नॉट बी काउंटेड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ठीक है तो ऐसी अगर आप एक कंपनी हो या तो आप कोई अगर इनएक्टिव कंपनी हो तो आपको डोरमेंट कंपनी बनने का अधिकार है आप अप्लाई कर सकते हो या आपको नोटिस आएगा फ्रॉम आर कि शो कॉज एस टू तो वाई आई शुड नॉट नेम यू एज अ डोरमेंट कंपनी अब आप कहेंगे सर इनएक्टिव कंपनी बोले तो क्या इनएक्टिव कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न लास्ट दो फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यूअसली फाइल नहीं किए ठीक है।, है तो आप लोग क्या करेंगे आप लोग एक फॉर्म भरेंगे एमएससी वन आर के पास और आर को बोलेंगे कि सर हम इन कंपनी है हमें प्लीज डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो अगर उन्हें सही लगता है तो आर जो है वो एमएससी टू फॉर्म में आपको एक सर्टिफिकेट देंगे और उस दिन से आप एक डोरमेंट कंपनी बन जाओगे अब आप लोग का सवाल होगा कि सर क्यों 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 आखिर क्यों कोई कंपनी डोरमेंट कंपनी बनना चाहेगी इसका सरल सिंपल अगर मैं आपको उदाहरण और आंसर दू तो बिकॉज आपको कंपनीज एक्ट के कई सारे प्रोविजन से छुटकारा मिल सकता है अगर आप डोरमेंट कंपनी बन जाते हो तो दोस्तों कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी को वन पर्सन कंपनी सेक्शन एट कंपनी आईएफएससी प्राइवेट कंपनी आईएफएससी पब्लिक कंपनी डोरमेंट कंपनी ये जो टाइप्स के कंपनीज होते हैं ना इनको बहुत सारे सेक्शन से अलग अलग सेक्शन से मैक्सिमम सेक्शन से छुटकारा मिल जाता है ओपीसी ऑल्सो वन पर्सन कंपनी इनको क्यों क्योंकि इनके सबके अलग अलग स्पेशल केसेस होते हैं और केसेस वाइज इन लोगों को बहुत सारे मिल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदे की बात है कि आप डॉर्मेंट कंपनी बन जाओ ताकि आपके कम हो जाए और आपको कॉस्ट ऑफ कंप्लाय ज्यादा ना लगे और आप बहुत सारे पेनल्टी से भी बच जाते हो तो दो रास्ते हैं डॉर्मेंट कंपनी बनने के वो दो रास्ते मैं आपके सामने आज रख रहा हूं ओपन ये चार्ट जरूर आप लोग बताई बना लेना ये मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी क्योंकि क्या है ना क्या हो गया ये कोई बताता नहीं है है ना बाद में लोग बोलते हैं मैं बना रहा हूँ आप लोग से निवेदन है आप भी बनाइए ठीक है अब आते बात डॉर्मेंट कंपनी डॉर्नमेंट कंपनी तो डॉर्मेंट कंपनी बनने के दो रास्ते हैं ठीक है ठीक है अगर आप एक कंपनी हो जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बनी है इन्हें कंपनी आज बना ली है काम हम लोग थोड़ी दिन बाद स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है थीके? या आप कोई असेट होल्ड करने के लिए बने हो ठीक है या आप कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बने हो जिसे हम आईडी कहते हैं या आईपी कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्लस ये तीन हो गए प्लस आपका कोई भी नो सिग्निफिकेंट no उंटिंग ट्रांजेक्ट ठीक है अब अगर आप ऐसी कंपनी हो ठीक है तो यू कैन अप्लाई फॉर डॉर्मेंसी या सेकेंड इफ यू आर एन इनएक्टिव कंपनी देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर फॉर बींग डॉर्मेंट कंपनी अब रुक जाओ अभी रुक जाओ रुक जाओ अभी बनाना नहीं मैंने अभी आपको सिर्फ समझाया कि हम कैसे जा रहे हैं अभी मैं इसी में इनएक्टिव कंपनी को भी एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि हमारा काम इजीली हो जाए ठीक है रुको इसी के अंदर हम क्या करते हैं इनएक्टिव कंपनी को भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि सर अब ये इनएक्टिव कंपनी बोले तो क्या इनएक्टिव तो कंपनी के लिए बोला है कंपनी विच हैज नॉट फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न और अभी एक सेकेंड रुको ना एक सेकेंड रुकना यहाँ पर मैं कुछ चीजें अच्छे से बताना चाहूंगा आपको डिटेल में बता देता हूं ठीक है एक मिनट रुको मंजिल बस तू ही तू मंजिल मेरी नहीं क्योंकि एक छोटी सी ना पॉइंट है इसमें जो मैं आपके लिए कवर करवाना चाहता हूँ एमसीए डॉट डॉट इन से हम्म आ जा बेटा आ आ आ आ बेटा बेटा जा 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 आ जा आज गली में चली हाँ अब यहां देखो इनएक्टिव कंपनी के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है ये मैं मेन बेयर एक्ट दिखा रहा हूं अभी अभी आपके सामने जो दिख रहा है ये बेयर एक्ट है ये सेक्शन 455 है जिसमें डोरमेंट कंपनी के बारे में प्रोविजंस लिखी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ध्यान से देखना इनएक्टिव कंपनी मीनस अ कंपनी which has नॉट बीन कैरिंग ऑन any बिजनेस or प्रोफेशन और has नॉट मेड any सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग transaction ड्यूरिंग the लास्ट टू financial ईयर ठीक है तो मैं पहला पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं ये तो मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं वैसे भी बट फिर भी अच्छे से देख लेते हैं हम लोग ठीक है नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन नो बिजनेस प्लस नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन समझे आपका कोई बिजनेस भी नहीं है और आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी नहीं किया है ड्यूरिंग लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स ड्यूरिंग लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स ठीक है और ज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग ट्रांस ड्यूरिंग लास्ट फू फाइनेंशियल और एक काम करते हैं ना एक काम करते हैं इसको भी अलग से ही शो करते हैं रुको नहीं नहीं अभी बनाने का ना तो ऐसा बनाने का कि डायरेक्ट इसको अपन बेचेंगे कल नहीं, बेचना नहीं है ऐसे मत करना ऐसे नहीं करना नो बिजनेस और प्रोफेशन ठीक है पहला आया नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स ओके और ज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर नॉट स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न तो अब आप ध्यान से देखना यहां पर आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न नहीं है एंड एनुअल रिटर्न है यानी आपको दोनों लिखने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न दोनों ठीक है ड्यूरिंग लास्ट टू फाइनेंशियल ईयरस लास्ट टू फाइनेंशियल तो मैं कहूंगा कि आप एक इनएक्टिव कंपनी हो अब आप जो हो वो हो आप हो सकता है इनएक्टिव हो या हो सकता है कि आप फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बने हो या सिर्फ असेट होल्ड करने के लिए बने हो है ना या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बने हो आप सभी के सभी लोग डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप डॉर्मेंट कंपनी देख रहे हो इतने डिटेल में हमको एक एक लॉ और एक-एक डेफिनेशन -एक पढ़ना होता है तब जाके हमें चीजें समझ में आती है इतना आसान नहीं है यह लेवल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए ठीक है चलिए अब हम चलते हैं आगे हमारे चैप्टर में ठीक है निधि कंपनी यह भी हम लोगों ने पढ़ा है निधि कंपनी बनी किस लिए थी टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमोंग द इन्वेस्टर्स और मेंबर्स तो इनके कंपनी का काम ही कॉस्ट कटिंग सेविंग इनका मेन उद्देश्य है ये म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के नाम से जानी जाती है सी जी बाई नोटि नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट किसी भी कंपनी को निधि कंपनी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी का दर्जा दे सकते हैं फिर आता है स्टार्टअप कंपनी स्टार्टअप कंपनी ये डी पी आई आई टी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इन्होंने स्टार्टअप uh, इंडिया के तहत अभी स्टार्टअप Uh, का बोलते ना एक दर्जा देना स्टार्ट कर दिया है प्राइवेट कंपनीज को तो इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और अ अ अ प्रोसेस और सर्विस एंड हैविंग वेरी स्केलेबल बिजनेस मॉडल विथ द पोटेंशियल ऑफ वेल्थ जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन देन आपको हम एक स्टार्टअप का रिकॉग्निशन दे सकते हैं बट यू हैव टू बी अ प्राइवेट कंपनी और एन एल एल पी और यू कैन इवन बी एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म ठीक है तो आप अपने इनकॉर्पोरेशन के विद इन टेन ईयर्स में आ, आप इसका अप्लाई कर सकते हैं एंड योर टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड हंड्रेड करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर और एक और इंपॉर्टेंट बात कोई बड़ी कंपनी अपने ही एक हिस्सा काट के अलग रख के उसको स्टार्टअप का रिकोग्निशन नहीं दे सकती सर व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट ऑल दिस स्टार्टअप कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज कई कई आप बोल रहे होंगे कि सर हमारे सिलेबस में है क्या ये बेटा आपके सिलेबस में इनडायरेक्टली दिया हुआ है बहुत सारी जगह पे बोला है कि दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप बहुत जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको आएगा एंड दैट्स वी शुड नो कि प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप मतलब क्या तो अभी आपको पता चला कि स्टार्टअप कंपनी बहुत ऐसी कंपनी जो कुछ नया बिजनेस प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस लेकर मार्केट में आई है बहुत अमेजिंग बिजनेस मॉडल उनका स्केलेबल बिजनेस मॉडल है वेल्थ जनरेशन का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है तो इसीलिए गवर्नमेंट उनको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन देती है लेकिन हर किसी को नहीं मिलता और इनिशियल दस साल ही मिलता है और अगर आपका अगर सौ करोड़ क्रॉस हो गया तो फिर आप स्टार्टअप कहलाने के तो आप बहुत बड़े हो फिर आप वेल well हो गए ना फिर स्टार्टअप स्टार्टअप क्यों हम उन छोटे छोटे प्राइवेट कंपनीज को बोल रहे हैं जो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और इसलिए उनको हम सहूलियत देने के लिए हम उनको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन दे रहे हैं अब प्राइवेट कंपनीज दो तरह के हो जाएंगे एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं और एक प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप दोनों के अलग एग्जाम्शन भी दिए हुए हैं और ये हमारे सिलेबस के अंदर है एंड दैट्स वाई वी शुड नो वॉट डू मीन बाय स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज ठीक है चलिए लव टू मैन सीक्रेट मैन लव टू थैंक यू सो मच चलो सब लोग को समझ में आ रहा है इधर क्या हाल है इधर सबको समझ में आ रहा है कौन कौन लेट आया भाई देखता हूं मैं पहले कौन नहीं आया था अभी लेट आया है साहिल भाई लेट हो गए आज तुम हाँ कोई नहीं दे रहा है दुरुस्त है बट आई लव यू वेरी मच फॉर सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन अब एक बात इंपॉर्टेंट सर वैसे तो कंपनीज एक्ट में बहुत डेफिनेशन दे के रखी है अगर आप देखना चाहते हो प्रिसाइज तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं आ जाओ दिखा दूंगा तो कहां गया रे बेर एक्ट मैंने डाउनलोड किया था ना कल बेर एक्ट ये रहा कंपनीज एक्ट अब देखो कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आप सेक्शन टू में जाएंगे एकदम गहरे में ये देखो ये सेक्शन टू यहाँ से शुरू होता है डेफिनेशन सेक्शन और यहाँ से डेफिनेशन शुरू होती है क्लॉज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आपको ये सारे के सारे क्लॉजेस सिलेबस में नहीं है जितने हैं वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं अब आप ऐसा स्क्रोल करते जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा देखो सत्तर क्रॉस हो गया अस्सी क्रॉस हो गया ये देखो नाइन्टी फाइव दिए हुए वैसे नाइनटी फोर डेफिनेशन है नाइन्टी फिफ्थ क्लॉज को मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट नाइन्टी फाइव क्लॉज इसके अंदर है या पूरे 95 फाइव क्लॉजेस आपके सिलेबस में है क्या तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो ऑल नाइनटी फाइव आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस फिर भी कंपनी चार सौ सत्तर सेक्शन और हजारों लाखों शब्दों का इस्तेमाल किया गया बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज का हमने इस्तेमाल किया गया हमने सेक्शन टू में डेफिनेशनल सेक्शन बना डाला ठीक है इन डेफिनेशनल सेक्शंस को इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन बोला जाता है क्या कहा जाता है एक बार देखना इसको हाईलाइट कर देना अपने बुक्स में क्या कहा जाता है इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन अब ये आपके लिए क्यों जरूरी है जब आप अदर लॉ में चैप्टर नंबर टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे तब आपको वहां पर पता लगेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल एड ऑफ यू नो कंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन ये कहना चाहता है कि जो डेफिनेशन का सेक्शन है ये खुद एक्ट के अंदर है जो एक्ट को पढ़ने में आपकी मदद करेगा क्या कहा मैंने ये जो डेफिनेशन का सेक्शन है ये एक्ट के अंदर है और आपको लॉ पढ़ने और समझने में मदद करेगा एंड दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट इंटरनल एड ऑफ कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन इंटरनल एड ये खुद एक्ट के अंदर के आपकी मदद करेगा कि आप एक्ट को अच्छे से पढ़ पाओ मैंने कहा ऐसे कैसे बोले आप एक्ट पढ़ते जाओगे पढ़ते वक्त आपके सामने हो सकता है एक एक आ आ जाए, अल्टर और एक वर्ड आ जाए और अब इन शब्दों का अर्थ आप कहां से लाएंगे वेर विल यू गेट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड जनरलाइज मीनिंग लेंगे तो लॉ ने कहा हमने आपके लिए ऑलरेडी नाइन क्लॉजेस बना के रखे ठीक है उनकी इस्तेमाल से आप इस लॉ को समझ सकते हैं ठीक है तो जो भी वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं लॉ में अगर उनका डेफिनेशन हमने सेक्शन टू के अंदर ही जो 95 फाइव उसके अंदर अगर हमने देख रखा है तो उसका मतलब वही होना चाहिए लेकिन इतना बड़ा लॉ है इतने सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे वर्ड्स बहुत सारे एक्सप्रेशंस हमने यूज किए हैं लेकिन उसका डेफिनेशन हमने सेक्शन टू में नहीं दिया है तो अब उसका अर्थ आप कहां से कहा तो, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ठीक है का मीनिंग आप मेरे को दे रहे हो मैं यूज कर लूंगा लेकिन अगर मैं जो वर्ड का मीनिंग ढूंढने जा रहा हूं वो शब्द अगर हमारे डेफिनेशन पार्ट में नहीं दिया हुआ है तो उस शब्द का मीनिंग में कहां से लाऊ तो सेक्शन टू का जो क्लॉज नंबर नाइनटी फाइव है वो कहता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जिसे हम एस सी आर ए कहते हैं और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट जिसे हम सेबी कहते हैं और डिपोजिटरीज एक्ट शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू डेम इन दो देखना यह कितनी बड़ी बात कह रहे हैं? आप देखना कितनी बड़ी बात ये लोग कह रहे हैं यहां पे समझ में आ रहा है क्या देखना कह रहे हैं, अगर हमने कोई शब्द इस्तेमाल किया लेकिन अगर हमने उसका डेफिनेशन नहीं दे रखा तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है उसका डेफिनेशन अगर एस सी आर एजिटरी एक्ट में मिल जाए तो वो डेफिनेशन को अपना डेफिनेशन मान के यूज कर लेना और वही इंटरप्रिटेशन सही हो जाएगा ठीक है अब और एक प्रॉब्लम आ गई सर वेन वर्ड्स और फ्रेजेस इज डिफाइंड एज हैविंग अ पर्टिकुलर मीनिंग इन द एनेक्टमेंट इट इट इज दैट मीनिंग अलोन विच मस्ट बी गिवन टू इट वाइल इंटरप्रिटिंग अ सेक्शन ऑफ द एक्ट अनलेस देर इज एनी थिंग टू द कंटेक्स्ट कह रहे कि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वर्ड का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में भी दिया है किसी और एक्ट में भी दिया हुआ है तो लॉ कहता है अगर डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दिया है तो उस वर्ड का वही डेफिनेशन और वही मीनिंग हम करेंगे until, खुद सेक्शन आपको वर्ड का डेफिनेशन चेंज करने की अनुमति दे दे अगर सेक्शन खुद आपको अनुमति दे दे कि इस वर्ड का एक जनरल पार्लेंस या कॉमन पार्लेंस का मतलब आप ले सकते हो तो हम जनरल मीनिंग ले लेंगे लेकिन जब तक ऐसा नहीं बोला जाता तब तक उस शब्द का मीनिंग जो डेफिनेशनल पार्ट में आपने दे रखा है एग्जैक्टली exactly वही हम मानेंगे उससे ऊपर हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए कि जो 95 फाइव क्लॉजेस है भले आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में केवल वही डाले इंस्टीट्यूट ने जो उनको लगता है आपको पता होने चाहिए जो यूज हमने किया इंटरमीडिएट के सिलेबस में लेकिन जिसका मीनिंग आपके सिलेबस में नहीं डाला है या वो नाइनटी फाइव क्लॉजे में भी नहीं आता है तो उनका मीनिंग हम एस सी आर एस बी डिपोजिटरीज एक्ट और अदर एक्ट से लेकर आएंगे इनफैक्ट जनरल क्लॉजेज एक्ट भी यहां पर एप्लीकेबल होगा लेकिन वो आपको अभी नहीं समझेगा बताए कब समझेगा जब आप जनरल क्लॉजे एक्ट पढ़ेंगे तब जनरल क्लॉजे एक्ट इज अप ऑफ ऑल एक्ट इट्स एन एक्ट ऑफ दी एक्ट एक लाइन जनरल क्लॉज एक्ट में कहती है कि भारत में जितने भी लॉस बने इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं जनरल क्लॉज एक्ट कहता है कि अगर उन शब्दों का मीनिंग उन पर्टिकुलर एक्ट के अंदर नहीं दिया गया है तो हम जो मीनिंग देते हैं वो यूज कर लो मैंने कहा ना इट इज द बाप ऑफ ऑल एक्ट बहुत अमेजिंग है बहुत टेक्निकल है यूनिक है और बड़ा मजा आएगा जब हम अदर लॉज का पहला चैप्टर जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 देखेंगे पॉप ऑफ ऑल अरे क्या बात है सीक्रेट मैन थैंक यू सो मच भाई हाँ चल, अब चलते हैं आगे सेक्शन टू इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स अदरवाइज रिक्वायर्स देखो खुद सेक्शन टू स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि बोले इस एक्ट के तहत हम जो नीचे वर्ड्स दे रहे हैं उनका जो मीनिंग दे रहे हैं वो आप पकड़ना अनलेस द कंटेक्सट ऑफ द सेक्शन रिक्वायर्स अदरवाइज अगर सेक्शन लिखा ही इस तरह से है कि उस वर्ड का टेक्निकल मीनिंग नहीं जनरल मीनिंग लेने की बात अगर लॉ मेकर्स कह रहे हैं तो आप जनरल मीनिंग ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक मैंने कहा बताओ सबसे पहला वर्ड आता है एवरिज प्रॉस्पेक्टस अब ये जो वर्ड है ना एवरिज प्रॉस्पेक्टस ये प्रॉस्पेक्टस का छोटू भाई है अगर आपको आ, मजा देखना है तो देखो मैं आपको मजा दिखाता हूं ठीक है हाँ ये ऐसे होते हैं प्रॉस्पेक्टस ठीक है प्रोस्पेक्टस। ये देख रहे हो आप ये प्रॉस्पेक्टस है कंपनी का रिलायंस का प्रॉस्पेक्टस रिलायंस निपॉन लाइफ असाइट मैनेजमेंट लिमिटेड का ठीक है अब आप नोटिस करना यह प्रोस्पेक्टस 486 पेजेस का है यस यस आप गलत नहीं सुन रहे हो यह प्रोस्पेक्टस 486 पेजेस का है यानी कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये 486 पेजेस पढ़ने हैं समझने और उसके बाद निवेश करना है सर इतने में सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस हो जाता मालूम आपको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का तो हो जाता अब कई बार बहुत से इन्वेस्टर्स इतना सारा कंटेंट गो थ्रू नहीं कर सकते एंड फॉर दैट वी नीड अ ब्रिज्ड प्रोस्पेक्ट अब आप किसी का मैं पेटीएम का ओपन कर लेता हूं ठीक है अगर आप एवरेज प्रोस्पेक्टस को देखेंगे रुक जाओ ये एवरेज प्रोस्पेक्टस आया नहीं हाँ ये रहा एवरेज प्रोस्पेक्ट तो सर एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या करता है यही जो 400 300 500 600 800 सौ पेजेस की जो प्रोस्पेक्टस है इसका सार बनाता है एक समरी बनाता है इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उठाता है और आपके सामने लाकर रख देता है केवल और केवल आठ दस पेजेस में यह एल का एवरेज प्रोस्पेक्टस है जो कि केवल और केवल आठ पेजेस का अगर आप नॉर्मल प्रॉस्पेक्टस देखते प्रॉस्पेक्टस ऑफ एल तो वो प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा होता सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू पेजेस का ये जो प्रोस्पेक्टस है अब ध्यान से देखना अब ध्यान से देखना आप 652 पेजेस का प्रोस्पेक्टस एवरेज कर दिया आठ पेज में समझ में आ रहा है अब मुझे बताओ क्या मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत है या आप समझ गए कि एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है इट्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग साइलेंट फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्ट इट्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग साइलेंट फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस By by करके, करके जिसके पास वक्त नहीं है एवरेज प्रोस्पेक्टस पढ़ के अपना डिसीशन ले लो अगर तुम्हें पूरा पढ़ना है जाओ मेन प्रोस्पेक्टस देखो चार सौ पांच सौ छह सौ आठ सौ हजार पेजेस का और पढ़ लो कोई दिक्कत आपका पोर्थन ऐसे कोई कम नहीं कर सकता प्रोस्पेक्टर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में हम इनके बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे आपको और मुझे गर्व होना चाहिए बिकॉज वी आवर मदर इंस्टीट्यूट आईसीए ये बनाती है आइए ध्यान से देखते हैं कैसे स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग और एनी एडेंडम यानी कि अमेंडमेंट दे टू फॉर द कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर टू इन सेक्शन वन सेक्शन वन जो हम पढ़ने वाले हमारे सिलेबस में है, कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 133 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे के रखा है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या उसके अंदर के जो भी चेंजेस है जो आपको आईसीएआई रिकमेंड करती है क्यों क्योंकि आईसीआई इज द अपेक्स बॉडी एज फार एज अकाउंट एंड फाइनेंस गोस तो आई आपको बताएगी ठीक है आईसीआई कौन है इट्स अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सी एक्ट नाइनटीन ठीक है आईसीआई द्वारा रिकमेंडेड किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी लेकिन पहले यहां पर एक ऑथोरिटी नहीं थी एक्चुअली थी लेकिन वो दूसरे दिन आकाश था अब वो नाकाश निकल गया एक नई ऑथोरिटी बीच में आ गई सेक्शन 132 के तहत एक नई ऑथोरिटी बनी एन एफ आर ए आपको अगर याद होगा तो मैंने कहा ये पप्पा फिगर बन गया हमारा आईसीएआई अगर हमारी माँ है तो ये हमारे पप्पा बन के बैठे जो हम भी सजा देने के लिए बैठे हैं बस अब लॉ ने क्या कर दिया लॉ ने कहा आईसीएआई अब डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड रिकमेंड नहीं कर पाएगी देखो स्टैंडर्ड्स अभी भी आईसीए बना रही है

तो आईसीए पहले एन को यह बात बताएगी एन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जाकर रिकमेंड करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑफिशियल गैजेट के अंदर प्रिंट करेगा एंड दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल आईसीआई अभी भी बना रही है बट अकेले नहीं उनको कंसल्टेशन करना पड़ रहा है एन के साथ भी समझ में आ रहा है अब इसके लिए कुछ रूल्स भी बने हुए एज पर रूल सेवन ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल्स द ऑफ अकाउंटिंग स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट बी बी टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर स्पेसिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन वन थर्टी थ्री अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा बिकॉज नाउ सेक्शन वन थर्टी थ्री हैज बीन यूटिलाईज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ लॉट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नोटिफाइड बोलते हैं जब तक एन एफ आर ए नहीं है तब तक क्या करेंगे जब तक एन एफ आर ए नहीं है तब तक क्या करेंगे तो ये एनएफआरए के जगह पे एक नई बॉडी आ जाती है और उसका नाम है नाकास नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या नाम है नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये जो नाकास है ये नाकास आईसीआई नाकास के कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में डालेगी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएंगे बट दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल एनी मोर वाई बिकॉज एन एफ आर हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन वन थर्टी टू ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कब था जब एन एफ आर ए नहीं बना था तब लेकिन अब एन एफ आर ए बन चुका है और अब जो भी करेंगे एन एफ आर ए के

ये एक्ट गया सब खलास हो गया खत्म हो गया ये तो बेसिकली ये जो दोनों पॉइंट्स है ये यूजलेस पॉइंट्स है लेकिन जब तक ये एक्ट में से रिमूव नहीं होते तब तक ये आपके किताब से भी रिमूव नहीं हो सकते फर्दर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंफर्ट अंडर वन थर्टी थ्री सी जी इन कंसल्टेशन विथ नाकास है ना प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी वन टू बी फॉलोड फिर आता है अल्टर और अल्टरेशन ये वर्ड पता है आपको कहां आएगा जब जब आप ना तब। पर अल्टर मतलब याद है आपको मैंने बोला था? एक मैं बताता हूं. वन केस में मैंने आपको बताया था नॉमिनी को आप चेंज कर सकते हो याद आ रहा है एंड चेंज इन नॉमिनी विल नॉट बी नोन एज अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम हा तो वो जो अल्टरेशन की बात मैं कर रहा था ना तब वो हम एक्चुअली पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर थ्री में चैप्टर नंबर टू में है पूरा वो का कि क्या आप आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हो क्या आप मेमोरेंडम को अल्टर कर सकते हो अरे भैया जब इतना अल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे अल्टर इस शब्द का मतलब तो पता होना चाहिए तो अल्टर इस शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज में कोई भी एडिशन ओमिशन या सब्सटीट्यूशन करना कहा ठीक है सर आर्टिकल्स अरे ए ओ ए है भाई ये तो आटिकल 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 ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमने सी ए फाउंडेशन में यह भी देखा है आर्टिकल में क्या होता है तो आर्टिकल्स में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कंपनी को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है थीके? इसी की तरह एक मेमोरेंडम भी होता है चलो स्क्रोल करो बाय द वे आपको बता दू ये सारे जो क्लॉजेज uh, है ये uh, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो जल्दी से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्क्रोल करके आ जाओ फिफ्टी सिक्स क्लॉज नंबर आ गया तो एमओ एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन पर्सन ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और अंडर दिस एक्ट मेमोरेंडम में क्या होता है सर वही आपने केसेस क्लॉजेस बताए थे ना नेम क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस यानी कि डोमेसाइल क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज लाइबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज जो भी नॉमिनल कैपिटल क्लॉज वो सब मेमोरेंडम सर उसके बारे में पढ़ाएंगे आप बिल्कुल पढ़ाएंगे कहाँ पढ़ाएंगे सर चैप्टर नंबर टू में पढ़ाएंगे ओके okay, सर थैंक यू फिर आते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी वही है जो रिकमेंड कर रहा है आई सी ए आई इन कंसल्टेशन विद एनएफआर तो सर वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था यहां पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आप देख लेना सब कुछ सेम है ठीक है देखते हैं बस सेक्शन चेंज हो गया वन फोर्टी थ्री सबसे सीजी में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और एनी अडेंडम डे टू इन वेन रिकमेंडेड बाई आई सी आई इन कंसल्टेशन विद एग्जामिनेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ एन एफ आर ए तो बेसिकली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ध्यान से देखना आई सी ए आई जाएगी एन एफ आर ए के पास एन एफ आर ए रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगा ऑफिशियल गैजेट में एंड इट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल ठीक है जब तक अब ये भी वही है यूजलेस प्रोविजन बोलते जब तक एन एफ आर ए द्वारा या इस सेक्शन द्वारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता तब तक आईसीए ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करेंगे बट अब ये एप्लीकेबल नहीं रहा बिकॉज सेक्शन 143 फोर्टी थ्री सब सेक्शन टेन का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटिंग प्रिस्क्राइब कर रखे हैं ठीक है फिर आता है ऑथराइज कैपिटल नॉमिनल कैपिटल बेटा यहां पे लिख देना इसका एक और नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल क्या नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल दिस इज द मैक्म कैपिटल विथ विच द कंपनीस अंपनी के नॉट है ना कंपनी के नॉट कलेक्ट फंड मोर देन दिस अमाउंट न दिस बी इंक्रीज लेटर ऑन ये दिस कैन वेरी वेल भी इंक्रीज लेटर ऑन बाई अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम अल्ट्रेशन बोलते हमारे कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के बिहार में काम कर रहे होते हैं बॉडी कॉर्पोरेट अब ये बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग और एलएलपी के सेक्शन टू सेक्शन वन क्लॉज डी के अंदर दिए हुए बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग कंफ्यूज करने का नहीं हर सेक्शन हर एक्ट अपने हिसाब से टर्मिनोलॉजी सेट करती है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज एक्ट में कुछ और होता है और एलएलपी एक्ट में कुछ और होता है कृपया करके ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अ बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इन कॉरपोरेट आउटसाइड इंडिया बट इट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बींग कंपनी एज इज नोटिफाइड अब यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन बहुत ज्यादा वाइड रखा हुआ है एवरी कंपनी विल एवरी कंपनी विल कम इन टू बॉडी कॉर्पोरेट इनफैक्ट इवन इफ द कंपनी इज दंपनीट आउटसाइड इंडिया इट विल कम अंडर बॉडी कॉर्पोरेट तो यहां पर बहुत ओपन हैंडेड डेफिनेशन है बस एक चीज याद रखना किसी भी सूरत में कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या अदर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएंगे ठीक है हाँ, ये अलग है वो अलग है वेरी गुड अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले वक्त है एक कॉल करने का कॉल 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 कौन कौन मुझसे बात करना चाहे हैंडरेस करो भाई हैंडरेस करो ना यार किससे बात करूंगा आज मैं अमनदीप आपसे बात हुई क्या मेरी कल सतीश से नहीं हुई सतीश कर यार हैंडरेस कर भाई सतीश करना यार यार्लीज ना प्लीज प्लीज सतीश प्लीज यार्लीज एनी वन एल्सो कैन रेज हैंड ऐसे मत करो ना यार तुम लोगों ने पर्सनल क्लास लगाई है तो अभी तुमको बात करने का मौका मिल रहा है तो बात करो ना यार कितने लोग लाइब्रेरी में ऑप्शन नहीं है ऑफ है भगवान मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया था सॉरी मुझे नोटिफिकेशन बंद करना था मैंने वो बंद कर दिया सॉरी यार सॉरी 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 है ना दो आर्यन ने हैंड रेस कर दिए अमनदीप ने कर दिया सतीश करना भाई राजीव एक कोई तो आर्यन से मेरी बात नहीं हुई थी किस कौन से वाले से नहीं हुई थी कौन से आर्यन से नहीं हुई थी मेरी बात ठीक आ... है यार देखो मेरे को याद नहीं आ रहा है मैं आर्यन कुमार से बात कर लेता हूँ हेलो हाय आर्यन गुड भाई किधर है क्या हाल है मैं एकदम अच्छा हूँ तुम तो क्या हेडफोन वगैरह यूज करते हो क्या नेकबैंड हाँ तो अच्छा नेकबैंड है क्या रनिंग वनिंग पे जाते हो क्या नेकबैंड तो यूजुअली वो तो लोग लेते हैं ना जिनका ऐसा रनिंग विनिंग करना रहता है वो ऐसा वाला आता है ना वो ऐसा आता है फिर यार मस्त रहता है ऑडियो yes. yes, इश्यू, इश्यू आ रहा था उस दिन भी ऐसे ही हो रहा था आवाज कट रहा था आज ठीक है आज ठीक है बट थोड़ा ना वो डिस्टर्बेंस आ रहा था स्टार्टिंग में अभी तो एकदम ठीक है कैसा रह रहा है एक्सपीरियंस कैसा मजा आ रहा है क्लास में बहुत है। समझ में आ रही है चीजें चलो यही तो जानना था भाई अब देखो थोड़ा फाउंडेशन से अलग है सिलेबस तो आपको ऐसा लग रहा yes. होगा बट अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है अभी तो हम फाउंडेशन का ही चल रहा है अभी तो yes, है ना सही yes. है और बाकी मतलब बाकी क्लासेस भी आप रेगुलर कर रहे हो yes, लाइव तो रिकॉर्डेड मोड ज्यादा कर रहे हो या लाइव ज्यादा कर रहे हो

तो वहाँ पे छा जाते हो गए ना तुम लोग सीए के स्टूडेंट्स तो अलग ही छाते हैं कॉलेज में सर खुश हो है, जाते हैं है। भाई बहुत अच्छे टीचर है आपके बिकॉज जब मैं कॉलेज में था तो मैं हम लोग ज्यादा नॉलेज झाड़ते नहीं थे कोई टीचर गलत पढ़ा रहा है तो हम कान बंद करके सुन लेते थे क्योंकि उनको इतनी चिड़ मचती थी सीए स्टूडेंट से कि यार इनको सब आता है इनको क्या बताया तो वो अपना गलत पढ़ा रहे होते थे हम चुपचाप बैठे होते थे लेकिन अच्छी बात है कि आप आजकल बोल पा रहे हो और टीचर्स भी पॉजिटिवली इसको ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है अब लेकिन ना टीचर्स का क्वालिटी भी सुधर गया ना कॉलेज के टीचर्स भी अच्छे टीचर्स आ गए होंगे तो वो भी रीजन है फिर मदा यार मजा है यार मजा 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 सॉर्टेड चलो ठीक है मिलते हैं फिर कुछ रात बताइएगा चलो ओके गॉड ब्लेस यू थैंक यू ऑल द बेस्ट बाय एकदम मुझे ना प्रीवियस प्लेटफॉर्म जैसा फील आ जाता है एकदम जब बात करता हूँ बच्चों से हाँ 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 इतना मजा आ जाता है क्या बोलू करेंगे और भी हैंड रेस करके रखो तुम लोग ना बहुत शर्मा क्लास में बहुत शर्माऊ बच्चे है कि इस तो क्या बोलू मैं आज ही कहा ना टाइम पास बताने का बारिश आ रही की नहीं उधर शर्माने का, का को ये देखो राजीव इज ऑलवेज रेडी की जरा बुलाओ तो मैं करूंगा आपसे बात हार्ड टू हार्ड बहुत बातें करने के लिए मेरे पास चलो हाँ हाँ राजीव करेंगे अभी ये इस फिर से कॉल होगा आधे घंटे में आप आपसे बात करेंगे एकदम अच्छे से है ना ओके okay. मुस्कान मैडम आइए 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 जल्दी आइए जिनको भी बात करना है जल्दी आइए <laughs> आइए आइए सुमित भाई पल के बिछाए इंतजार हो रहा है आप लोगों का चलो अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे बुक्स बुक्स एंड पेपर बुक्स और पेपर बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट भैया ये तीन जो कंडीशन ये जो तीन डेफिनेशन है बहुत ही खतरनाक डेफिनेशन डेफिनेशन दो तरह की होती है इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव कितने लोगों को यह चीज पता है टाइप्स ऑफ डेफिनेशन डेफिनेशन दो तरह की होती है एक होती है इंक्लूजिव और एक होती है एग्जॉस्टिव अगर कोई डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है वर्ड इंक्लूड से तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है इसका मतलब ये ओपन एंडेड डेफिनेशन होती है मतलब इट सम पार्ट ऑफ अ डेफिनेशन इज लेफ्ट अस्ट टू यू नो इंटरप्रिट मतलब यू कैन इंक्लूड सर्टन थिंग्स इन टू दिस डेफिनेशन एकदम बहुत बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं होती कि बस इतना ही आ रहा है ऐसा नहीं वो आपको दो चार चीजें बताएंगे और कहेंगे आप भी इन तरह की सिमिलर चीजों को इस डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हो जैसे अब आप देख रहे हैं ये डेफिनेशन इंक्लूड्स सो बुक्स एंड पेपर और बुक्स और पेपर इंक्लूड्स तो आप देखो बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स और पेपर के अंदर आता है इतना hmm. नहीं तो जितने भी डीट्स होते हैं होता ना, memorandums होते है ना मेमोरेंडम्स होते हैं डीट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जितने भी वाउचर होते हैं कैश वाउचर हो गया सेल वाउचर हो गया परचेज वाउचर हो गया जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं बिल्स इनवाइस परचेज ऑर्डर गुड्स रिसीट नोट एवरीथिंग मिनिट्स मिनिट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग मिनिट्स ऑफ द जनरल मीटिंग और कोई भी चीज एनी थिंग इन राइटिंग अब आप देख रहे हो कितना ओपन है यार ये definition. मैं एक खाली पेज उठाकर उस पर मैं अगर चार शब्द भी लिख दू ना तो वो इस क्लॉज के तहत बुक्स एंड पेपर और बुक्स और पेपर में आ जाता वो चाहे एक पेपर पे हो बना हुआ या चाहे वो फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में बना हुआ बिकॉज आई टी एक्ट दो हजार आने के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है ये सब कुछ बुक्स एंड पेपर में आता है तो मैंने कहा बहुत सारी चीजें हो गई अब बुक्स एंड पेपर देखा जाए तो फिर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डेफिनेशन हो गया अब आप देख रहे हो क्यों इंक्लूसिव बोले तो मैंने कहा ना ओपन एंडेड हो गया ठीक है कुछ डेफिनेशन एग्जॉस्टिव होती है जैसे शेयर्स का डेफिनेशन ले लेता है ये कॉल्ड अप कैपिटल का या चार्ज का डेफिनेशन लिखा है कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट अब इसमें कोई स्कोप ऑफ एडिशन है ही नहीं ये एग्जॉस्टिव है यू कैन नॉट एड एनीथिंग अदर इन दिस डेफिनेशन तो यूजली जो डेफिनेशन मींस से स्टार्ट हो रही है ठीक है या मैं क्लोज एंडेड कर देता हूं क्लोज एंडेड इधर इतना ही आ रहा है नहीं इतना ही आ रहा है तो जो डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होती है वो इंक्लूसिव जो मीन से स्टार्ट होती है वो एग्जॉस्टिव यानी कि आप इसमें और कोई चीज एड नहीं कर सकते कुछ डेफिनेशन होती है जो स्टार्ट होती है मीन से और उसमें होता है एंड इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल शेयर का डेफिनेशन देख लेते हैं देखो कहते शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक देगा तो कुछ डेफिनेशन में सिर्फ मीन्स होता है तो कुछ डेफिनेशन में मीन्स एंड इंक्लूड्स भी होता है तो यह मीन्स एंड इंक्लूड्स भी क्लोज एंडेड तो के अंदर ही आता है ये भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है एंड यू कैन नॉट एड एनीथिंग अदर देन वॉट इज ऑलरेडी गिवन इन द एक्ट यानी शेयर के डेफिनेशन में आप स्टॉक के अलावा अब नथिंग एल्स कैन बी इंक्लूडेड नथिंग एल्स कैन बी इंक्लूड इंक्लूड नहीं कर सकते आप ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जब डेफिनेशन पढ़ो तो आपको देखना है कि डेफिनेशन इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है अगर इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन के एम्बिट को आप स्ट्रेच कर सकते हो एक्सटेंड कर सकते हो लेकिन अगर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते जितना बोला गया सिर्फ उतनी ही चीजें उस डेफिनेशन में आएगी उससे ऊपर एक वर्ड नहीं ठीक है अब मेरे को आपने बोला बुक्स और पेपर या बुक्स एंड पेपर के डेफिनेशन के बारे में तो बुक्स और पेपर या बुक्स एंड पेपर इसके अंडर बहुत सारी चीजें आती है जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है जैसे डॉक्यूमेंट और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपने डाली डीट्स वाउचर्स मिनिट्स मैं छोटा छोटा लिख देता हूं लगे यहां पे इसके अंदर आते हैं डीट्स वाउचर्स मिनिट्स और बताओ भाई और एनीथिंग इन राइटिंग ठीक है वो चाहे पेपर फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट बोले तो क्या ये भी तो देखना जरूरी है तो चलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन फिर से आप देख रहे हो इनक्लूसिव डेफिनेशन है मतलब इसमें चीजें ऐड की जा सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड रिकॉर्ड्स मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैंने कहा क्या क्या ऑल द सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी एंड मैटर्स रिलेशन टू विच द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल सेल एंडेस एंडेस डिटेल्स हो गया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखो सारे एक्सपेंडिचर सारा इनकम सारा परचेस सारा सेल इसके बाद पॉइंट नंबर थ्री ऑल असेट एंड ऑल लाइबिलिटी सारी जायजाद और सारे देख भागी जो भी है लाइबिलिटीज एंड लास्ट आइटम्स ऑफ कॉस्ट ऑल द सम्स रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड यानी कि रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर बेसिकली ऑल सेल एंड एंडेस ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड आइटम ऑफ कॉस्ट ये चारों आ जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तो जितने भी रिकॉर्ड्स आपके पास है जिसमें हमको साबित हो रहा है कि पैसा आया या पैसा गया या खर्चा या इनकम या असेट या लाइबिलिटी या परचेस या सेल या आइटम ऑफ कॉस्ट तो ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं समझ में आया ये देखो यहां पर डेफिनेशन में दिए हुए बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है तो सर ये अलग अलग क्यों सेक्शन 148 सेक्शन 148 जो आपके सिलेबस का टेक्निकली पहले लास्ट सेक्शन हुआ करता था बट अब आपके सिलेबस में एक नया चैप्टर आ गया है कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया उसके वजह से ये लास्ट सेक्शन अब नहीं रहा ये सेक्शन 148 इज तो तो ड ये सब ले, ये सब कॉस्टिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आ जाते हैं ठीक है लेबर मटेरियल ओवरहेड वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आ जाएंगे तो मैं यहाँ पर लिख दू पहला मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं यानी थोड़ा सा चेंज ऑफ कलर भी होगा पहला रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर दूसरा ऑल परचेज एंड सेल या एक काम करता हूं एक मिनट तीसरा असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड चौथा इफ सेक्शन 148 फोर्टी एट एप्लीकेबल देन कॉस्ट रिकॉर्ड ये बुक्स अकाउंट के अंदर आता है अब फिर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आता है वो भी देख लेते हैं तो मैं आपको थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूं पेजेस पलटाओ यहाँ पे आओ ठीक है यहां आओ अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा हो सकता है चीजें कंफ्यूजिंग लगे लेकिन ध्यान से देख लो डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं सर समन करना मतलब अब अगर जादुई दुनिया की बात करूं तो बोलते ना कि रावण ने आ, क्या अपने एक दानव को प्रकट किया आवाहन किया और वो प्रकट हुआ जैसे वो ऐसे निकल के आता है उसको बोलते हैं समन करना यानी कि बुलाना हाजिर होने बोलना टू गिव एन ऑर्डर टू बी प्रेजेंट समवेयर इसको समन कहते हैं ठीक है थीके? तो कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई लीगल डिपार्टमेंट से कोर्ट से आपको समन आते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप कोर्ट में हाजिरी लगाइए वहां पर जाकर खड़े रहिए जमा हुई जमा हुई मतलब खड़े रहो बी देर इन फ्रंट ऑफ द जज और वट इसे समन कहते हैं हाँ हाँ नरूटो में होता है ना बेटा हाँ अरे वही उसी की तो बात कर रहा हूं मैं हाँ नरूटो वाला हाँ, हाँ अंशिता बोलो बेटा हाँ तो समन्स ये कोर्ट से आता है आपको कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस आती है कभी स्क्रूटिनी आएगी कभी असेसमेंट आएगी कभी इंटीमेशन नोटिस आएगी कोई भी ऑल नोटिस जो गवर्नमेंट आपको भेजता है रिक्वेजिशन आ सकते हैं कभी कभी आपसे आपको नहीं बुलाया जाता आपको बुलाया गया तो समन आपसे अगर कोई डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन मंगाई गई तो वो रेक्विजिशन तो अगर मैं आपको लेटर लिख के बोल रहा हूं कि मुझे आपके प्रॉफिट एंड लॉस या मुझे आपका एक पर्टिकुलर अकाउंट का या कोई पर्टिकुलर, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस चाहिए तो ये रेक्विजिशन में आ जाएगा देन ऑर्डर बहुत सी बार ऑर्डर आते हैं ना हाँ बोलो बहुत सी बार ऐसे ऑर्डर्स आते हैं क्या बोलते उसको अरे वो क्या बोलते उसको वो वाले ऑर्डर नहीं रहते पेनल्टी ऑर्डर्स प्रोसिक्यूशन के ऑर्डर्स लेट चार्जेस के ऑर्डर्स ये भरो वो भरो ये करो करो वो वो देन जो आप लोगों को देते हैं कंपनी बनाते वक्त ही तो कितने सारे डिक्लेरेशन देते हैं हम लोग मैं शपथ खाता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा सच के बिना कुछ नहीं बोलूंगा ये सारे डिक्लेरेशन सारे के सारे फॉर्म्स सारे के सारे रजिस्टर सर रजिस्टर क्या होते हैं सर रजिस्टर ऑफ मेंबर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर प्रॉक्सी रजिस्टर प्रिफरेंस होल्डर्स का रजिस्टर रजिस्टर तो बहुत सारे होते हैं भाई तो वो रजिस्टर्स देन वेदर इशूड सेंट और कैप्ट इन पर्सन ऑफ दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स और अदरवाइज मेंटेन्ड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इस लॉ के तहत या किसी भी लॉ के तहत अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर रहे हो अपने पास रख रहे हो तो वो चाहे फिजिकली रख रहे हो या इलेक्ट्रॉनिकली ये सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाएंगे ठीक है तो एक बार जल्दी से यहां पर फटाफट फटाफट लिस्ट लिख देना एक की स्पीड में फटाफट और ये सारी चीज अब नहीं है आप बोलना मत कि सर आप बोर, बोर कर रहे हो पुराना पुराना पढ़ा रहे हो सम क्या था फिर नोटिस रेक्विजिशन ऑर्डर नोटिस रेक्विजिशन इसमें से जो भी आपको नहीं समझता उसके सामने उसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो समन के सामने लिख देना अपने अपने मदर टंग में हिंदी मराठी गुजराती मारवाड़ी तमिल तेलुगु है ना वॉट एवर इज योर मदर टंग आप उसमें लिख दो समन का मतलब क्या होता है नोटिस के सामने एग्जाम्पल लिख दो मैंने सारे बताए रिक्विजिशन के सामने देखो ये चीजें ना फिर आपको तकलीफ नहीं देगी बाद में एक एक वर्ड का मतलब आपको पता रहेगा डेक्लेरेशन फॉर्म एंड रजिस्टर डेक्लेरेशन फॉर्म एंड रजिस्टर अगेन दोनों जगह पर ये आप चाहे तो हर जगह कॉमन लिख सकते हैं ये सभी चीज के केस में कॉमन हो जाएगा है ना यही पे लिख देता हूं मैं वेदर मेंटेन्ड इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा ठीक है ये सब आता है डेफिनेशन अब ये जो डेफिनेशन है बुक्स और पेपर आप इसके सामने क्लॉज लिख सकते हो ठीक है सेक्शन टू क्लास थर्टी सिक्स फिर आप ऊपर जाके बुक्स एंड पेपर और बुक्स अकाउंट देख सकते हो ट्वेल्व और थर्टीन थर्टीन और ये ट्वेल्व ये है हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स बेटा फोन नंबर इसलिए बिजी आ रहा है बेटा बैक टू बैक बच्चे कॉल कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं और अभी हम जस्ट स्टार्ट किया है तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है टू टेक अप द कॉल प्लीज़ थोड़ा वेट करिए एक दो बार और ट्राई करिए एंड डेफिनेटली यू विल कैच होल्ड ऑफ वन और दी अदर ऑल्सो संडेज को या पब्लिक हॉलीडेज के दिन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इनिशियली अभी थोड़ा ये रहे वैसे तो ये ऑल आर वर्किंग एवरी डे बट अगर उन्नीस बीस हो रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो दो बार ही आज छुट्टी है तो फिर कॉल नहीं जाएगा है ना अभी हम भी बहुत सारी चीजें पता चल रही है हमको भी चलो ये लिख लिया आपने चलू मैं आगे अब छोटी छोटी डेफिनेशन है यार ब्रांच ब्रांच का मतलब क्या होता है एक कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट तो देखो अब कुछ चीजें आप सेल्फ भी पढ़ सकते हो अब मुझे बताओ क्या आप कॉल डब कैपिटल नहीं पता आपको जब पैसा आपसे मंगाया गया है चार्ज का मतलब नहीं पता चार्ज का तो पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस चैप्टर है आपको चार्ज का मतलब होता है इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज अ सिक्योरिटी एंड अ मॉर्गेज चार्ज क्रिएटेड चार्ज का मतलब होता है लीन क्रिएटेड ऑन असेट और सिक्योरिटी और अंडरटेकिंग एज अ सिक्योरिटी एंड इट इंक्लूड्स मॉर्गेज बेसिक एग्जाम्पल दू तो जब आप कोई लोन लेने जाते हो ठीक है जब आप लोन लेने जाते हो तो आपसे बोला जाता है कि भैया क्या गारंटी है कि कल आप हमारा पैसा लेके रफू चक्कर ना हो जाओ तो आप कहते हैं भैया मैं कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं हूं जो रफू चक्कर हो जाओगी तो, तो आपका कंपनी बोलता है वो बंदा बोलता है नहीं नहीं भाई आप जो भी हो हमें आप पे भरोसा नहीं है तो हम आपको कैसे भरोसा करके भाई लोन दे दे तो वो लोग आपसे चार्जेस मांगते हैं अच्छा आप अकेले नहीं हो आप किसी भी बड़े से बड़े कंपनीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल लेना आपको वहां पे चार्जेस मिल जाएंगे मैं आपको कुछ दिखाता हूं ठीक है अगर मैं मेरे को ये परमिशन मिली एमसी की वेबसाइट से तो मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा हाँ। अब एक काम करो अब अपनी फेवरेट कंपनी देखो सर आप लोग को पैसा मिलता है क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज से काश जितनी बार मैंने उनका नाम लिया है ना एक हाथ करोड़ तो मुझे ऐसी मुक्कू भाई ने दे देने चाहिए खैर लेकिन बड़ी कंपनी का नाम लेते वक्त अपने को भी प्राउड फील होता है ना अपने को मजा आती है अब किसी भी कंपनी का मास्टर डेटा चेक कर सकते हो जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ठीक है यह है हमारी मुक्को भैया की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिट अब इसको ध्यान से देखो ठीक है इसको ध्यान से देखो यहां पे देखो आपको चार्जेस की डिटेल दिख रहे होंगे देखो दिख रहे चार्जेस के सभी डिटेल्स आपको दिख रहा होगा चार्ज अमाउंट डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज डेट ऑफ मॉडिफिकेशन इफ एनी और अगर अभी वो चार्ज क्लोज हो गया होगा तो वो भी डिटेल मिलेंगे हर कंपनी के हर कंपनी के आपको चार्जेस के डिटेल दिखते हैं आपको ये भी बताते हैं कि वो चार्ज किसके अंडर है अब आप बोलेंगे सर क्या रिलायंस के सारे के सारे चार्जेस क्लोज है नहीं ओपन चार्जेस भी है सर वो तो दिख ही नहीं रहे यार तुम देखोगे तो दिखेगा ना भाई अगर तुम देखोगे नहीं हावला करोगे तो नहीं दिखेगा अब 20 दिसंबर 2007 को इन लोगों ने एक लोन लिया होगा अमाउंट देख लेना यूनिट कितने जीरो है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस मेरे मतलब पूरे जिंदगी की जो कमाई होने वाली है और उसकी जो इंटरेस्ट इनकम होने वाली है उससे भी डेढ़ सौ गुना ज्यादा लग रहा है वैसे ही बट इतना सारा अमाउंट इन्होंने लोन लिया उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपनी कोई असेट चार्ज क्रिएट किया असेट रखा चार्ज गिरवी रखा और वो अभी भी चार्ज ओपन है यानी कि अभी तक ये पूरा पैसा चुकाया नहीं गया है अगर ये पैसा पूरा चुकाया नहीं गया तो ये असेट बेच के पैसा रिकवर किया जा सकता है वो असेट के ऊपर चार्ज अभी क्रिएटेड है और वो ओपन है बहुत सारे चार्जेस है अभी आप देखेंगे देखो ये भी ओपन है रे बाप इतने बड़े बड़े ओपन है ये देखो।, ये देखो ये देखो कितना बड़ा है ओपन है ओपन 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 ठीक है तो आप ऐसा कोई भी कंपनी का सर्च कर देखो कितनी बार उन्होंने चार्ज रखा कितनी जगह पे अपने असट मॉर्गेज रखे उन्होंने लोन लिया है देखो तो ये तो इतने सारे बंद है अब देखो। ये बंद, 2020 का 22 का इसमें से कितने ओपन है ये भी ओपन है ओपन है ये ओपन है ये ओपन है ये ओपन है ये ओपन है कितने सारे ये सारे चार्ज क्या है ये शो करते हैं ये शो करते हैं कि आप अपने किसी असेट या अपने किसी प्रॉपर्टी को या अपने किसी अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग को अगर आप गिरवी रखते हो और उसके बदले अगर पैसा लेते हो तो वो चार्ज हो गया सो इट इज एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन योर प्रॉपर्टी और असेट बाय अ कंपनी फॉर इट्स यू नो ग्रोथ एंड इट आल्सो इंक्लूड्स मॉर्गेज ये चार्ज है सर वॉट डू मीन बाउंटेंट

सर ये ऑफिसर्स होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिसको हम बोलेंगे वो सीईओ हम जिसको बोलेंगे वो सीएफओ सीएफओ कौन है तो सर ये जो सीएओ सीएफओ है ना इन सब की डेफिनेशंस आपको दी गई है सेक्शन 203 ऑनवर्ड्स ठीक है केएमपी में आता है ये केएमपी एक्चुअली आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है लेकिन ये आपके सिलेबस में है अगर विश्वास नहीं होता तो आओ नीचे आओ मुन्ना कहाँ जा रहे हो सुनो ना सुनो ना सुन लो टीचर हमी को क्या मस्त गाया था ना मैंने वाह हां जी मैंग भाई क्या हुआ क्लास शो नहीं रही ऐप पे अरे क्या बात कर रहे मिया हमारे ऐप पे इतने लोग आ इधर लाइव बैठे ले बीड़ू आपको कैसे नहीं आ रही आवाज इधर राजीव है आर्यन है मुस्कान है रजनीकांत है साहिल है सतीश है मृदुला है आर्यन है सर्विका है अमनदीप है इनको दिख रहे है तो तुमको क्यों नहीं दिख रहे ऐसा ना को बोलो सभी लोग इधर टेंशन न को लेने का आएंगे आएंगे आएंगे, आएंगे क्लासेस दिखेंगे कुछ लोगों ने मयंक आपने वो नाइन मंथ वाला लिया है क्या क्लास आई जस्ट वॉन्ट टू नो मतलब मुझे समझ में आए अगर किसी ने नाइन मंथ वाला लिया है और उसको ये क्लास ऐप पे नहीं दिख रहा है तो मेरे को बता देना मैं उसको लिंक करवा दूंगा हाँ तो बिडू ये प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है है प्रॉब्लम हमारा हम समझ गए क्या हो रहा है ये जब मैंने क्लास शेड्यूल किया ना तभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट के अंदर ही क्लास लग गया अभी एक नया प्रोडक्ट वो क्रिएट हुआ है जो अभी आपने परचेस किया है बैकएंड में मैंने रिक्वेस्ट डाल रखा हुआ है ये जो अपनी क्लासेस अभी चल रही है ये उस बैच में भी मर्ज हो जाएगी एक एक दो दिन का वक्त लगेगा बाद में आपको क्लासेस दिखने लग जाएगी डरो मत अभी सारी क्लासेस यूट्यूब पे है तुम टेंशन मत लो अभी यूट्यूब पे देखो लेकिन जब ये यूट्यूब की क्लासेस कंप्लीट होने से काफी पह, पहले ही अगले दो तीन दिन के अंदर ही हम ये सारी चीजें एकदम कंसोलिडेट कर देंगे और आपको वहां पर भी क्लास मिलेगी तो एक दो दिन की बस बात है देखो हम भी नए नए हम भी बहुत सारी चीजें नए नए कर रहे हैं ना तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है बेटा है ना हाँ हाँ आप समझ में आ गए अब मेरे को समझ में आ आगे अब मेरे को तुम्हारा प्रॉब्लम समझ में आ गया इसलिए मेरे को खुद ही क्लिक हुआ ना वो चीज हो गया हो गया हो जाएगा हो जाएगा चलो तो भाई केएमपी का डेफिनेशन आपको दिया है अब मैं बताता हूं क्या है केएमपी पी क्या है ये केएमपी पी लपू सा के एमपी है झिंगुर सा कंसेप्ट है फूक मारो तो उड़ जाएगा केएमपी का मतलब होता है सीईओ और एमडी और मैनेजर प्लस इसमें आता है सी ऑफ द कंपनी एनी होल टाइम डायरेक्टर सी एफ ओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी और सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज के एम पी बाई दोर्ड एंड सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब तो सी यहां पर यह चार्ट देख लो ये चार्ट देख लो के एम पी का दिख रहा है ये के एम पी सीओ एम डी मैनेजर सी एस सी एफ सी एफ ओ और इधर सी एफ ओ क्यों नहीं है चार्ट में आ मदमाशी कर रहे है क्या सी एफ ओ क्यों नहीं है इधर आ इधर सी एफ ओ भी होना चाहिए बेटा फिर आता है होल टाइम डायरेक्टर एनी अदर पर्सन नॉट बिलो वन लेवल ऑफ होल टाइम डायरेक्टर हु मे बी डेजिग्नेटेड एज के एम पी एंड अदर डायरेक्टर एज मे बी प्रिस्क्राइब अदर ऑफिसर ये हमारे की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं भी जो की मैनरल मैनेजरियल पर्सनल होते ना ये हमारे कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं देखो ना यार कंपनी का सीईओ कंपनी का एमडी कंपनी का मैनेजर ये की अरे भाई सीधी एकाग्रता सीए के आप मुझे बताइए कौन के है द वन एंड ओनली तास एंड दिल से विश करो निश करो निशु भैया और तास ये कौन है दे आर की मैनेजरल दे आर दीओ एम डीज मैनेजर्स वही है ना तो ये लोग है KMP. हम लोग कौन है हम गरीब लोग है गरीब हम गरीब लोग नथिंग हम गरीब लोग है लेकिन पोटेंशियल uh, हमें भी बहुत है एक दिन हम लोग भी होल टाइम डिरेक्टर सीईओ सी एस सी एफ ओ दिखेंगे आपको uh, ऐसी हमारी दिल से उम्मीद है तो डोंट वरी आएंगे हम भी उधर ठीक है सो ये लोग जो होते हैं ना ये हमारे कंपनी के बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं इसका भी हमें एक दो जगह पर रेफरेंस आएगा ध्यान रख लेना ठीक है तो सीओ सी एस जो भी आप आ रहे हैं आप लोग इसकी डेफिनेशन एक बार चेक कर लेना चल और बोलो सर क्या क्या देख लिया आज हमने बहुत सारी डेफिनेशन देखी सर बेटा आज पढ़ने के मूड से आया था मैं पढ़ाने के ही मूड से आया था मैं आज तो मैंने आपको सीईओ बताया सीएफओ बता दिया कंपनी

तो ऐसा मत समझना कि कंपनीज एक्ट कंपनीज बोले तो जो 2013 में बनी होगी वही कंपनीज है नहीं किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत भी अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करके बैठे हो तो आपको भी हम आज के एक्ट के हिसाब से कंपनी ही मानेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 1973 में बनी है टाटा स्टील 1907 में बनी है इंफोसिस 1981 में बनी है वो आज भी कंपनीज एक्ट दो हजार तेरह के मतलब नजर से कंपनीज ही है ये कंपनीज पुराने कंपनीज एक्ट के तहत बनी है बट फिर भी वो इस डेफिनेशन के अंदर आ जाती है समझ में आया हाँ बात कर लेना बेटा <laughs> ओके फिर आते हैं सर कॉन्ट्रीब्यूटरीज ये वो लोग होते हैं जब कंपनी का बंटाधार हो जाता है और कंपनी डूब जाती है अप में आ मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ अ इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर इज अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर बोलो या ना है ना अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर तो भैया ये अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर आप उनसे लेंगे ना पैसा लेंगे उनसे तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जब आपकी कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भैया कितना पैसा लगने वाला है क्या क्या होने वाला है और फिर आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी लोगों की जो पैसा देने वाले हैं कि, कि, किसकी कितनी वैल्यू लाइबिलिटी है किसका अनपेड वैल्यू कितना है तो ये जो लिस्ट बनेगी ना कि कौन से मेंबर से कितना पैसा लेना है इस लिस्ट को कहा जाएगा लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज दैट इज पर्सन लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीडअप ठीक है फॉर द शेयर इन दैलरी बट शैल है कॉन्ट्रीब्यूटरी एक्ट वाइल रिटेनिंग राइट ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूटर सर बात सही है देखो अगर आपके पास फुल्ली पेड़ अप शेयर है तो अब नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या द मैक्म लाइबिलिटी ऑफ योर्स इज नाउ जीरो नील बटा सन्नाटा तो मैं आपका नाम कॉन्ट्रीब्यूटर में लिखूंगा तो सही कि भैया इन लोगों से भी पैसा लेना था मगर ये लोग ऑलरेडी दे चुके हैं एंड देयर फॉर द बैलेंस पेंडिंग फ्रॉम देम इज शून्य जीरो कॉन्ट्रीब्यूटर तो की लिस्ट में आपका नाम तो जरूर जाएगा बट आपसे पैसा रिकवर नहीं करवाया जाएगा समझ में आया ना फिर आता है सर कंट्रोल उदय कंट्रोल कंट्रोल गं का मतलब क्या होता है सर अगर मैं आपके कंपनी के ध्यान से सुनना मेजॉरिटी या ऑल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकता हूं क्या आप नहीं कहोगे कि सर आप तो फिर हमें कंट्रोल ही कर रहे हो क्योंकि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके इशारों पे नाचने वाले हैं ठीक है थीके? अब अगर 12 में से सात डायरेक्टर आपके हैं तो आप जो चाहोगे वो होगा देर फॉर मैं ये कहूंगा कि यू आर कंट्रोलिंग माई कंपनी ठीक है यू कैन इवन कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन एक्सरसाइजेबल एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कोई व्यक्ति मैनेजमेंट में पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में अगर डायरेक्टली इनडिरेक्टली या किसी और के साथ मिलकर अगर इंफ्लुएंस कर सकता है तो मैं कहूंगा ही कंट्रोल्स आवर कंपनी अगर कोई बंदा शेयर होल्डिंग के मदद से या मैनेजमेंट राइट्स के मदद से या किसी शेयर होल्डर एग्रीमेंट या वोटिंग एग्रीमेंट के वजह से अगर हमारे कंपनी में मेजोरिटी शेयर्स होल्ड कर रहा है मेजोरिटी वोटिंग होल्ड करता है तो हम कहेंगे ना कि ये बंदा हमें कंट्रोल कर रहा है सो so, कंट्रोल का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अकेले या इन कंसर्ट अगर आप एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर दबाव में डाल सकती है और अपने इशारे पर अगर नचवा सकती है तो मैं कहूंगा दिस कंपनी इज कंट्रोलिंग दी अदर कंपनी और ये कंट्रोल बहुत ज्यादा देखा जाता है जब आप होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन निकाल रहे होते हो तब है ना जैसे अभी तुम लोग मुझे कंट्रोल करते हो है ना कि मैं तुम्हें कंट्रोल करता हूं सर हमारा रिश्ता ऐसा कंट्रोल वाला नहीं है प्यार का रिश्ता है प्यार से जुड़े हम बात तो सही है चलो तो ये भी देख लेना डिबेंचर अब डिबेंचर का डेफिनेशन इंक्लूस डेफिनेशन है इंक्लूड्स इंक्लू डिंचर स्टॉक बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिक्योरिटीज होता है आपको right नहीं मिलता इट इज काइंड ऑफ लाइक लोन गिवेन बाई जनरल पब्लिक टू द कंपनी अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है एक तो किसी बैंक के पास जाकर लोन ले लें सिक्योर्ड अनसे जनरल पब्लिक से लोन ले सकती है अब वो अगर जनरल पब्लिक से लोन लेने जाएगी तो लोन के बदले आपको एक डिबेंचर दे देगी फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर का वैल्यू है सौ रुपए तो आप कंपनी से सौ रुपए के डिबेंचर खरीद रहे हो और आप कंपनी को सौ रुपए तो के लिए हो गया लोन अब कंपनी सौ रुपए पर आपको एक फिक्स और, और वो डिबेंचर के सर्टिफिकेट पे फेस पे लिखा रहेगा और इसीलिए आप देखना कंपनी के बैलेंस शीट में लिखा होता है टेन परसेंट कन्वर्टेबल रिडीमेबल डिबेंचर्स फेस वैल्यू रूपीज हंड्रेड इच फुल्ली पेड अप ये नहीं लिखा होता है कि भैया ये जो डिबेंचर है इस पर हम दस परसेंट इंटरेस्ट देंगे कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो कंपनी को चाहे लॉस हो कुछ भी हो इंटरेस्ट देना पड़ेगा भैया एक बात बताओ अगर आप होम लोन लेते हो अगर आप कार लोन लेते हो और अगर आपको बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या आप लोन भरना बंद कर देते हो क्या नहीं सर शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो हमें कोई दिक्कत नहीं है वो आपका चॉइस है लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट

और अगर इन डिबेंचर्स के बदले आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है तो बन जाते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स ठीक है नीचे दिए गए ये दो इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर के डेफिनेशन में नहीं आएंगे ठीक है नंबर इंस्ट्रूमेंट टू इन चैप्टर थ्री डी ऑफ आरबीआई एंड सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज बीन प्रिस्क्राइब बाई सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई आरबीआई के पास हमने तो पावर देके रखी है कि आप कुछ पर्टिकुलर डिबेंचर्स को या बॉन्ड्स को या गवर्नमेंट बॉन्ड्स को होंगे जो भी है उनको आप इन डिबेंचर्स के डेफिनेशन से बाहर निकाल देंगे और उनको आप अलग से रख देंगे तो आरबीआई कुछ पर्टिकुलर बॉन्ड्स को अलग निकाल के रखती है और कहती है कि इसे आप डिबेंचर का नाम ना देना मैंने कहा ठीक है नहीं देंगे कोई तो प्रॉब्लम नहीं है फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है सर डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड एंड फाइनली डिविडेंड डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड ये जब हम चैप्टर एट पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों एम्प्लॉज स्टॉक ऑप्शन और उसके आगे की कुछ डेफिनेशन अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले लेक्चर के सारे के सारे डेफिनेशन बहुत तोड़ होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कुछ भी करने का उस लेक्चर को मिस नहीं करना लिटरली आपके इस चैप्टर वन के जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो अगले लेक्चर में आने वाले हैं मैं पहली बता दूं वो लेक्चर लाइव आए रिकॉर्डेड आए कैसे भी आए आपको वो लेक्चर्स मिस आउट नहीं करने हैं वो डेफिनेशन ढंग से पढ़नी है चार्ट बनाने हैं और उनको रिवाइज करना है अब हम सफिशियंट पढ़ चुके हैं और आगे आने वाले दो या तीन दिन के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा पांच दिन का रफली एस्टिमेट में पकड़ के चलता हूं दो दिन उसमें से डेढ़ डेढ़ दो दिन हो ही गए और तीन दिन अगर मैं दो दो घंटे की क्लास ले लूं तो ये चैप्टर तो खत्म है ही अगर क्लास के आवर्स थोड़े कम भी हो रहे हैं और एनी रीजन वॉट्स जो भी हो तो भी आगे आने वाले कुछ दिनों में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा एंड वी विल स्टार्टिंग विद अ वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप इसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए दुर्घटना से देर भली तो दुर्घटना मत होने ठीक है तो नेक्स्ट वी विल मीट अब इसके आगे जितने भी डेफिनेशंस आएंगे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आने वाले चलिए मैं अपने स्टूडेंट से बात कर लेता हूँ किसने मुझे कहा था राजीव ने कहा था बात करनी है राजीव भाई नमस्ते भाई क्या हाल है बताओ क्या कह रहे थे तो में बात बोला मुझे बहुत बच्चों ने बोला है मीटिंग में हम बात करते हैं कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं नाइन मंथ्स का बोल रहे हो ना जो लिया था, जो बहुत सारे बच्चों ने बोला है वो मैम बात करके करवा लेंगे ऑप्शन दे दे. भाई आप बोलो बस क्या करना है सब कराएंगे <laughs> और राजीव भाई बताओ अच्छा लग रहा है क्या ऐसा लगता है कि दो घंटे बहुत ज्यादा है ऐसा लग रहा है कोई खास पता नहीं चल रहा है नहीं सर मतलब ये तो अभी मतलब हुआ ही नहीं है मतलब जो असली जो आता है इंटर का जो बच्चा भी अभी अभी आने वाला है क्योंकि सर वैसे देखा जाए तो टैक्स की, की, अच्छा। की भी क्लास तीन घंटे की रहती है अच्छा और अकाउंट्स की भी क्लास तीन घंटे की रहती है तो ये तो भी बहुत कम है हाँ वो भी बात सही है एक्चुअली देखा जाए तो ये बात फिर सही है और बेसिकली ना क्या होता है बट थ्योरी में ना आप जान नहीं सकते तीन घंटा मुझे रहता ना कि कुछ प्रॉब्लम करवा लो तो तो भी मैं बनाता तो बच्चे के करते हैं हाथ से चार्ज बनाते उनको फ्रेशनेस लगता रहता है बट अदरवाइज थियोरी है।, है खतरनाक चार्ज्स में तो मतलब पढ़ना और जब आप रिवाइज करोगे ना वो आर्यन की बुक यार मेरे पास ना आर्यन ने बहुत अच्छा भेजा था यार मेरे को आर्यन इसमें है क्या रे चैट ऑप्शन है क्या अपने फोटोज वोटोज इमेज भेजने का आर्यन करता हूँ बेटा मैं अपलोड नोट्स मैंने एक अपलोड किए है मैं बताता हूं उसके बारे में आर्यन ने बहुत अच्छे नोट्स मेरे साथ शेयर किए यार जबरदस्त शेयर किए अभी मुझे पता नहीं इसमें कितने दिखेंगे आपको अभी देखना दिख रहा है क्या नोट्स ऐसे नोट्स बनाए इसने दिख रहे क्या रे राजीव नहीं दिख रहे ना तो थोड़ी सी ज़ूम कर दीजिए नहीं नहीं है ना मुझे इसको सर भले वो बड़ी स्क्रीन पे ले आइए ना वो नहीं आ रहा ना उस पर नहीं आएगा बट ठीक है मैं एक काम करता हूँ ये अपने जो नोट्स का जो है ना उसके अंदर ये अपलोड करता हूं ये वाले नोट्स और आर्यन आप बनाओ बहुत अच्छे नोट्स बनाए यार उसने मतलब पता नहीं कैसे दिख रहे, दिख रहे, दिख रहे ना दिख रहे, दिख रहे। बहुत अमेजिंग और नोट्स देखोगे ना उसने ये चार्ट है ये टेबल बनाया है उसमें और पूरा एक एक एग्जाम्पल जो मैंने कल एग्जाम्पल लिया था ना वो एग्जाम्पल भी उसने लिख दिया ठीक स्मॉल कंपनी के एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी ये देखो बिल टू एक्ट प्रॉपर बनाया है बच्चे ने बिल टू एक्ट भाई ये देखो पूरा बिल टू एक्ट तो यार ये करो थोड़ा एफर्ट्स डालेंगे ना तो लॉ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में बड़ा मजा आएगा आपको ये चार्ट बुक में से ना अपने को मेरिट आना है भाई यस चलो ऑल द बेस्ट राजीव भाई मिलते हैं फिर है ना थैंक यू सो मच यार गॉड ब्लेस यू थैंक यू तो आ, भाई आ, एक दो चैट्स इंपॉर्टेंट आ रही थी आर्यन मैंने वो मैं बात कर लेता हूँ उनसे सर लोग से और करवा देता हूँ नोट्स अपलोड दूसरा नोट्स मृदुला मैंने एक्चुअली डाल रखी है अगर आप कंटेंट में जाकर चेक करना एक बार मैंने ये नोट्स ऑलरेडी डाल रखी है आपका जो कंटेंट फोल्डर मिलता है ना जो पेड स्टूडेंट्स को उसके अंदर इसी में क्लास में दिखता है और आर्यन वो आगे फीचर आएगा बहुत सारे फीचर्स पे वो लोग काम अभी कर रहे हैं जो लोग यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं भाई लोग आप लोग पूरे डेढ़ दो घंटे से यहाँ पर दो घंटे से ऑलमोस्ट आप ईमानदारी से बैठे हो इट रियली शोज कि आप कितना प्यार करते हो मुझसे और इस सब्जेक्ट आप से आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी एकाग्रता डॉट को डॉट इन पर आइए और इस अमेजिंग बैच का हिस्सा बनिए आप हमारे कोर्सेज के टैब में जा सकते हो थोड़ा आप स्क्रोल करेंगे वैसे यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज है आप देख सकते हो देखो ये वाला बहुत ज्यादा सेल हो रहा है ये वाला जो है ना बोध ग्रुप लाइव कॉम्बो आप स्क्रोल करके बहुत सारे हमारे उसको गो थ्रू कर सकते हो ऑल में जाइए अब आप देखेंगे यहाँ पर हर जगह पे आपको दिख रहा है ये ग्रुप वन का लाइव कॉम्बो है है ना इंडिविजुअल क्लासेस है अब सब में सिक्स मंथ्स और नाइन मंथ्स ये दोनों ऑप्शन भी है जो ये फाइव थाउजेंड का दिख रहा है ये नाइन मंथ्स का है जो फोर थाउजेंड का है वो सिक्स मंथ्स का है मेरा वाले की बात कर रहा हूँ तो आपको ये बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर मिल रही है इन सबको देखो जज करो और जो आपको सही लगता है वो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो एंड आई वुड लव टू सी यू ऑल इन द क्लास लाइव रेट्स एंड ऑल माइट चेंज हो सकता है अगर आप ये वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हो लेट देख रहे हो तो रेट्स माइट हैेंज्ड बाय देन तो वो तो बेटा चलते रहता है विधि का विधान है चेंज इज दस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड तो लेट्स लेट्स ज्वाइन द बैच पास्ट एंड बी बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच है ना जल्दी से लॉक्ड है लॉकड uh, मतलब आप एक्सेस कर पा रहे हो ना आर्यन मैंने डाला तो है यार हाँ मिल गई ना हाँ ठीक है वो जो नोट्स की आप बात कर रहे हो ना वो नोट्स आप यहीं पर शो ये हो जाएगा आप देख पाओगे आप ऐप पे ही देख पाओगे वो डाउनलोडेबल नहीं होने वाली वो आई थिंक आपको हम लोगों ने पहले भी बताया था ना कि डाउनलोडेबल नहीं रहेगी उसका रीज़न ये है कि वो ना बहुत मेहनत से यार ये सारी नोट्स बनती है टू बी वेरी फ्रेंक तो वो बाहर चली जाती है फिर टेलीग्राम पे मिलती है फिर लोग अपना नाम लेके बेच भी रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग हो जा रही है ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाता है नोट्स का बहुत पंगे हो रहे हैं. एंड ओइंग टू ऑल दिस यू हैॉकड तो वो तो रहेगा ठीक है थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत साइनिंग ऑफ सियाद जोशी बाय